जय हिंद सभी दोस्तों को, सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में। दोस्तों तो आज का संडे आपका होने वाला है बिल्कुल सनसनी खेज दोस्तों। जी हाँ, आज के इस लेक्चर में हम लोग दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं साइंस के वो क्वेश्चन दोस्तों जो हमेशा हमारे एग्जाम में रहते हैं और हमें दोस्तों परेशान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग स्पेशली बात करेंगे उन डाउटफुल क्वेश्चन की जिनके आंसर दोस्तों बहुत डाउटफुल रहते हैं या जिनके आंसर दोस्तों कठिन होते हैं। तो ऐसे दोस्तों प्रैक्टिकल क्वेश्चन की आज हम बात करेंगे, साइंस के सभी ग्रुप की आज बात करेंगे। तो ये दो घंटे दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं हमारे आज के, जो अपने एग्जाम में दोस्तों अपना असर दिखाएंगे और आपको उन क्वेश्चंस पर भी मार्क्स दिलाएंगे जिन क्वेश्चन को दोस्तों जनरली हम लोग छोड़ देते हैं या फिर दोस्तों हम उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आज दोस्तों आपके एग्जाम में, आपके इस लेक्चर में। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, आज का संडे बनाएंगे अपना सनसनी खेज। और दोस्तों आज के संडे क्लास से आपको मिलेंगे क्वेश्चन अपने एग्जाम में, इस बात की पूरी गारंटी मैं लेक्चर के स्टार्टिंग में ही दे देता हूं। चलिए तो दोस्तों जल्दी से मैं जो लोग नए हैं उनको बता देता हूं कि आप सभी लोग दोस्तों आज के इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए आप लोग ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों आपको ज्वाइन करना है @shubhamsir_testbook। इसी टेलीग्राम ग्रुप को दोस्तों अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो यहां से आपको सारी पीडीएफ फाइल भी मिल जाएंगी और यहीं पर दोस्तों आपको लेटेस्ट एग्जाम की जानकारियां भी दोस्तों मिलती रहेंगी। तो ये टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं @shubhamsir_testbook। साथ ही साथ अपने सारे डाउट्स भी दोस्तों मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं यहां पर, ठीक है। और दोस्तों साथ ही मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिस के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं टेस्ट बुक का ये पास। दोस्तों इस टेस्ट बुक के पास को लेकर आप पा सकते हैं 31,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट जो 450 से भी ज्यादा एग्जाम में काम में आने वाले हैं। तो इस टेस्ट बुक पास को भी दोस्तों आप लोग परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द जनरल ट्रेंड ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट। यानी समूह 17 के जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों जनरली क्या होता है, ये पूछ लिया गया है यहां पर। तो जल्दी से मुझे बताइए समूह 17 का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है दोस्तों वो इनमें से क्या होता है। चारों ऑप्शन में से आप लोग बताइए मुझे समूह 17 के जो तत्व होते हैं उनका जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो क्या होता है। बिल्कुल बिल्कुल विक्रम कुमार जी, सारे ही चैप्टर से होगा, ठीक है, सभी चैप्टर से होगा, ठीक है ना। चलिए चलिए सही आंसर आप सभी का मिल रहा है, बिल्कुल सही आंसर यहां पे मिल जाएगा NH2NP5 दोस्तों। यानी यही दोस्तों सामान्य प्रवाह है, समूह 17 का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो दोस्तों NH2NP5 के समान ही होता है। बिल्कुल सही आंसर यहां पर सभी का आ गया। चलिए बढ़िए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से किसका लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है। सिद्धि गुप्ता जी, अविनाश जी, जिंदगी जी, बहुत ही सुंदर, सभी के मुझे आंसर मिल रहे हैं। सिद्धि गुप्ता जी, ठंड अच्छी खासी है, बारिश हो रही है मेरे यहां तो। चलिए चलिए बिल्कुल बिल्कुल वर्षा जी, ठीक है, संजू जी, अंश गुप्ता जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। चलिए सभी के मुझे यहाँ पे कमेंट मिल रहा है, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही आंसर की बात करें दोस्तों तो यहां पर हीलियम हो जाएगा। हीलियम का गलनांक दोस्तों यहां पर सबसे कम रहता है, ठीक है, हीलियम का जो गलनांक है वो दोस्तों यहां पर सबसे कम रहता है। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। चलिए आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बायोचिप में क्या होता है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा इसे, बायोचिप में क्या होता है, क्या इसमें आरएनए होता है, डीएनए होता है, आरएनए और डीएनए दोनों होते हैं या आरएनए डीएनए और प्रोटीन दोस्तों होते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजन में दोस्तों रहता है, तो इसको दोस्तों जरूर आपको बताइए क्या होगा। बिल्कुल बिल्कुल अंश गुप्ता जी, बहुत तेज यहां पर बारिश हो रही है लेकिन छोड़ेंगे नहीं, बारिश हो आंधी आए या तूफान आए अपने को अपना काम करते रहना है, अपने को तैयारी अपनी जबरदस्त करनी दोस्तों। अमित कुमार जी, गिरीश शर्मा जी, चलिए चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ रहा है। आरएनए डीएनए और प्रोटीन दोस्तों तीनों ही चीजें होती हैं। ये मैंने पहले ही कहा था कि इसमें कंफ्यूजन होता है कि आरएनए होगा डीएनए होगा या क्या होगा, तो यहां पर मैं आपको बता दूं बायोचिप में दोस्तों तीनों ही चीजें होती हैं, आरएनए डीएनए और प्रोटीन दोस्तों तीनों ही चीजें यहां पर होती हैं, ठीक है। चलिए चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आगे बढ़िए। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीज, मैग्नीज की परमाणु संख्या पूछी गई है, बताएं तेजी से, जल्दी से बताइए। शर्मिष्ठा गांगुली जी, अमित कुमार जी, देखिए अमित कुमार जी जहां पे जरूरत है एक्सप्लेनेशन की वहां पे करेंगे, जो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन है उनमें किसी भी तरह का टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है।
लेकिन जहां पे जरूरी है, जहां पे कॉन्सेप्ट समझाना है, वहां पर एक्सप्लेन करेंगे, या आप मुझे बताइएगा जिस क्वेश्चन का भी आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए उसको कर देंगे, ठीक है मानवी गुप्ता जी, वरना बहुत सारे क्वेश्चन छूट जाते हैं जो हम डिस्कस नहीं कर पाते। चलिए बिल्कुल सही है आंसर नंबर दो दोस्तों, 25 यहां पे सही आंसर है। अपना मकसद है मैक्सिमम क्वेश्चन आप तक पहुंचाना, मैक्सिमम क्वेश्चन की बात आपसे करना, ताकि आपका लेक्चर दोस्तों सक्सेसफुल रहे। आगे बढ़िए दोस्तों, आगे बढ़िए। बॉन्ड एनर्जी दोस्तों क्या होती है, अब ये मुझे बताइए बॉन्ड एनर्जी दोस्तों क्या होती है। चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताएं मुझे बॉन्ड एनर्जी दोस्तों क्या होती है, तेजी से बताइए। पूनम कुमारी जी, जितेंद्र कुमार जी, मानवी गुप्ता जी, सभी लोग बताइए बॉन्ड एनर्जी क्या होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। देखिए यहां पर सही आंसर आ रहा है। बॉन्ड एनर्जी की बात करें तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ मोल ऑफ कंपाउंड, किसी भी यौगिक के एक मोल को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे ही दोस्तों बंधन एनर्जी यानी बॉन्ड एनर्जी कहते हैं, ठीक है। किसी भी मोल को तोड़ने के लिए जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है वो दोस्तों यहां पर बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। डॉल्टन्स थ्योरी वाज बेस्ड ऑन द लॉज, डॉल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर दोस्तों आधारित था। जो डॉल्टन का सिद्धांत है वो दोस्तों निम्न में से किस नियम पर आधारित था, मुझे बताएंगे तेजी से दोस्तों। किस नियम पर बेस्ड था डॉल्टन का दोस्तों नियम, बहुत ही सुंदर दोस्तों, बहुत ही सुंदर। बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ रहा है। चलिए बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ गया है। तो सही आंसर दोस्तों यहां पर है द्रव्यमान का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ मास, बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ जाइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ विच फिट इन द जनरल फॉर्मूला ऑफ दिस, यानी इनमें से कौन ऐसा है जिनका जनरल फॉर्मूला दोस्तों ये होगा CnH2n-2, ये किसका दोस्तों जनरल फॉर्मूला हो सकता है, इसका मुझे आप लोग आंसर दीजिए। किसका जनरल फॉर्मूला यहां पर दोस्तों ये हो सकता है, जल्दी से मुझे इसका आंसर देंगे आप सभी लोग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर की तरफ बढ़ रहे हैं। सही आंसर यहां पर दोस्तों एल्काइन्स हो जाएगा। मैं आपको बता दूं जो हमारे एल्केन होते हैं इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर बात करें एल्कीन्स की तो ये होता है CnH2n, और एल्काइन की बात करें तो इनका होता है CnH2n-2। ये दोस्तों जनरल फॉर्मूले इनके रहते हैं, ठीक है ना। चलिए तो जो एक बार पूछ रहे हैं, जो लोग ये पूछ रहे हैं कि टेस्ट बुक का पास कैसे लेंगे, कुछ बच्चों को क्वेरी है, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि टेस्ट बुक का जो ये पास है वो किस तरीके से परचेस कर सकते हैं, तो इन सभी को एक बार मैं बता दूं, देखिए किस तरीके से आप यहाँ पर टेस्ट बुक का पास परचेस कर सकते हैं, ये भी मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, एक बार बता देता हूँ, ताकि आप सब भी दोस्तों यहाँ पर जो है वो टेस्ट बुक का पास ये यूज कर पाए और दोस्तों इससे अपना फायदा ले पाए। तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ, यहाँ पर दिखा देता हूँ, देख लीजिए। देखिए दोस्तों अगर टेस्ट बुक के पास की बात करेंगे तो आपके लिए मैं बता दूं कि यहां पर देखिए इस प्रकार का आपका लेक्चर ये चल रहा है, और यहां पर इस लेक्चर को देखते हुए जब आप नीचे दोस्तों देखेंगे, यहां डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब नीचे आप लोग देखेंगे तो यहां पर दोस्तों ये लिंक आपको मिल जाएगा, ये लिंक मिल जाएगा। इस लिंक पर जब क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए ये तीन आपके सामने ऑप्शन खुल के आ जाएंगे, मंथली टेस्ट बुक का पास, 14 मंथ का पास और लाइफ टाइम टेस्ट बुक पास, ठीक है। ये सारे रेट यहां पर लिखे हुए जो ऑलरेडी मैक्सिमम डिस्काउंट पर हैं। उसके बाद भी दोस्तों आप यहां पर अप्लाई कूपन करेंगे तो इस समय दोस्तों आप मेरे कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं SUAPASS। इस कोड का इस्तेमाल करके दोस्तों आप लोग यहां पर ये पास परचेज कर सकते हैं, जिससे आपको दोस्तों और भी ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए इसको मैं अप्लाई करूंगा तो सीधे सीधे यहां पर दोस्तों मुझे डिस्काउंट देखिए और भी शो हो गया है, 599 वाला 510 हो गया है और 340 यहां पर दोस्तों हो गया, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों आप इस पास का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस पास के दोस्तों फायदे आप लोग उठा सकते हैं। ये मैंने आपको दोबारा एक बार यहां पर बता दिया, ये है वो पास जिसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 31,000 से भी ज्यादा दोस्तों पर मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। चलिए बढ़ जाते हैं दोस्तों इस जानकारी के बाद अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं। विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए किस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आ गया है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है लेकिन हमारे एग्जाम में रिपीट होता है, बताएंगे इसका आंसर। द सेल्स ऑफ द विच टिश्यू आर आइसोलेटेड टू फ्रॉम अ डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू,
किस टिश्यू को बनाने के लिए हम लोग दोस्तों यहां पर टिश्यू को अलग अलग करते हैं, ये जल्दी से मुझे इसका आंसर देंगे सभी लोग। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आसान भी है, जल्दी से मुझे इसका आंसर दीजिए। चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यहां पे आंसर आ गया है, बहुत सुंदर सही आंसर है दोस्तों यहां पर मेरिस्टमैटिक, बिल्कुल सही आंसर दिया है आप सभी लोगों ने, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा, सही आंसर दिया है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। मसल फटिंग इज ड्यू टू एक्युमुलेशन ऑफ, यानी पेशी जो श्रांति होती है वो किसके संचयन के कारण होती है, जो मसल फटिंग है वो इनमें से किसके जमाव के कारण हो जाता है। ये आसान क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आया है, तेजी से मुझे इसका आंसर आप लोग दीजिए। किसके संचयन के कारण ये पेशीय श्रांति यानी मसल फटिक दोस्तों होता है, क्या लैक्टिक एसिड के कारण, एथाइल अल्कोहल के कारण, या कार्बन डाइऑक्साइड के कारण? चलिए बिल्कुल सही, सही आंसर यहां पे आ गया दोस्तों, लैक्टिक एसिड इज द राइट आंसर, लैक्टिक एसिड यहां पर सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों तेजी से। जेनेटिक स्क्रीनिंग इज आनुवंशिकी जांच किसे कहते हैं दोस्तों, जेनेटिक स्क्रीनिंग का मतलब यहां पर क्या होता है? मुकेश ऋषि जी बताइए जल्दी से, लोकल जी, विवेक कुमार जी, डायनामिक जी, सभी लोग बताइए, वहीद रहमान जी। चलिए सही आंसर दोस्तों आ गया यहां पर। अगर जेनेटिक स्क्रीन की बात करें तो जनसंख्या में जीन का विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस ऑफ जीन इन द पॉपुलेशन, यानी जो भी जनसंख्या है उसमें जो जीन है उन जीन का एनालिसिस करना, यही दोस्तों जेनेटिक स्क्रीनिंग होती है। बढ़िया आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। द सेपरेशन ऑफ टेक्निक विच इन्वॉल्व द डिफरेंस इन द देयर डेंसिटीज इज, यानी पृथक्करण की किस तकनीक में उनके सघनता का अंतर दोस्तों शामिल होता है, पृथक्करण की किस तकनीक में हम लोग दोस्तों डेंसिटी डिफरेंस का प्रयोग करते हैं, यानी डेंसिटी डिफरेंस होने पर दोस्तों अलग अलग हो जाते हैं, जल्दी बताइए इसका आंसर। वीरेंद्र कुमार जी, सत्यराज जी, बहुत ही बढ़िया। चलिए सही आंसर यहां पे आ गया है, सही आंसर यहां पे आ गया है, बिल्कुल सही आंसर दोस्तों बी और सी दोनों, यानी सेपरेशन बाय सेपरेटिंग द फनल एंड सेंट्रीफ्यूगेशन दोस्तों, यही दोनों वो तकनीक है जिसमें डेंसिटी का दोस्तों डिफरेंस का यूज किया जाता है और चीजों को अलग कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाइड्राग्रेम इज द लैटिन नेम फॉर, हाइड्राग्रेम जो है ये किस चीज का लैटिन नेम है दोस्तों, हाइड्राग्राम जो है ये किस चीज का लैटिन नेम है दोस्तों, बताइए मुझे, क्या मरकरी का, लिट का, सिलिकॉन का, या फिर दोस्तों कॉपर का? हाइड्राग्राम जो है वो किस चीज का दोस्तों लैटिन नेम है? गिरीश शर्मा जी, देवेश गंगवार जी, एसके प्रजापति जी, चलिए क्लियर आंसर दोस्तों, बहुत बढ़िया सही आंसर है यहां पर मरकरी दोस्तों, पारा इस तरह आंसर यहां पर मरकरी, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत सुंदर। चलिए 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 आगे बढ़ेंगे तेजी से दोस्तों। कार्बन के 6 × 10^22 परमाणुओं में मोल्स की संख्या दोस्तों बता दीजिए। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और दोस्तों आसान भी है, जल्दी से मुझे इसका आंसर दोस्तों आप लोग दीजिए। यहां पर कुछ लोगों को स्क्रीन यहां पर सही दिखाई नहीं दे रही है, स्क्रीन यहां पर सही दिखाई नहीं दे रही है, मुझे वापस से बताइए एक बार कि क्या सभी के साथ ये प्रॉब्लम है, क्या स्क्रीन की प्रॉब्लम सभी के साथ हो रहा है, क्या क्या बाकी लोगों को स्क्रीन साफ दिखाई दे रहा है? चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, 1/10 इज द राइट आंसर, इसका एक रीजन समझ लीजिए, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जिनको भी स्क्रीन अगर सही नहीं दिख रही है तो इसका मतलब वहां पर इंटरनेट का कुछ इशू होगा, जिन लोगों को भी अगर स्क्रीन साफ नहीं दिख रही है तो इसका मतलब वहां पर यह है कि इंटरनेट का इशू दोस्तों जरूर होगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहां पर सीधी बात है, कैसे आया आंसर 6.023 × 10^23 परमाणुओं में मोल की संख्या रहती है एक। अब यहां पे सीधी बात पूछी है कि 6 × 10^22 परमाणुओं में कितनी संख्या होगी, तो यहां से अगर निकालेंगे तो इस तरीके से दोस्तों ये हम लोग कैलकुलेट करके यहां से आंसर दोस्तों निकाल लेंगे 6 × 10^22। यहां से दोस्तों ये पूरा कट हो जाएगा, 10^23 और 22 कट करेंगे तो ये दोस्तों 1/10 दोस्तों केवल रह जाएगा और इस प्रकार से दोस्तों ये अपना आंसर बन जाएगा, ठीक है। बिल्कुल एवोगैड्रो नंबर कहते हैं दोस्तों, इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर ही कहते हैं हम लोग, ठीक है ना।
चलिए आगे बढ़ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक द प्योरिटी ऑफ मिल्क बाय मेजरिंग द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिल्क. यानी निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग दूध के सापेक्षिक घनत्व को मापकर दूध की शुद्धता की जांच करने के लिए किया जाता है. ये बताइए मुझे किसका इस्तेमाल इसमें करते हैं हम लोग दूध की शुद्धता की जांच करने के लिए. ये मुझे जल्दी से आप लोग आंसर बताएंगे इसका. दूध की शुद्धता की जांच अगर करनी हो तो दोस्तों किससे की जाएगी ये मुझे जल्दी से बता दीजिए. बहुत ही बढ़िया दोस्तों सभी लोग इसका आंसर दीजिए. बहुत ही बढ़िया बिल्कुल सही यहां पे आंसर आ गया है. लैक्टोमीटर का ही दोस्तों इस्तेमाल करते हैं. हम सभी को मालूम है ओडोमीटर का इस्तेमाल दोस्तों डिस्टेंस कवर करने के लिए करते हैं. डिस्टेंस जो हमारे व्हीकल्स जो हमारे फाइंड आउट करते हैं कोई भी व्हील अगर है वो व्हील कितनी डिस्टेंस चल चुका है उस डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए ओडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं. बैरोमीटर की बात करें तो जो एयर प्रेशर है दोस्तों यानी वायु दाब है इस एयर प्रेशर के इस्तेमाल के लिए हम लोग दोस्तों बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं. और स्पैरोमीटर दोस्तों नाम से क्लियर है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करता है दोस्तों. ठीक है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर ठीक है इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यहां पर दोस्तों क्या करते हैं स्पैरोमीटर का यहां पर प्रयोग दोस्तों कर लेते हैं. सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन दोस्तों. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए. ओके सेलुलर स्ट्रक्चर फॉर्म बाय मर्जिंग ऑफ टू जीमेट्स इज कॉल्ड व्हाट. यानी दो गैमेट के विलय से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है इस कोशिकीय संरचना को दोस्तों क्या कहा जाता है. आसान क्वेश्चन है तेजी से बताइए क्या कहते हैं दोस्तों इस कोशिका को. बहुत बढ़िया अंश गुप्ता जी चलिए सही आंसर यहां पे आ गया है. तेजी से आगे बढ़ रहे हैं. सही आंसर है दोस्तों यहां पे युग्मनजनी जायगोट कहते हैं हम लोग. बिल्कुल सही आंसर बढ़िए आगे बढ़िए. हाउ डिड डोबरनियर अरेंज द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल. यानी डोबरेनर ने दोस्तों आवर्त सारणी में तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया था. डोबेराइनर ने आवर्त सारणी में तत्वों को किस प्रकार दोस्तों व्यवस्थित किया था ये बताना है. लल्लू कुमार जी ठीक है थोड़ा धीरे कर लेता हूं मैं अपने आप को एक गियर कम कर लेता हूं. चलिए सही आंसर दोस्तों यहां पे आ गया है. बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ गया है ऑप्शन नंबर टू. एज पर द थ्योरी ऑफ ट्राइड्स यानी ट्राइड के नियमों के अनुसार ही दोस्तों डोबेराइनर ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया था. हम सभी को मालूम है अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करें तो इसमें दोस्तों एटॉमिक नंबर के बेस पर अरेंज किया गया है एटॉमिक नंबर. अगर हम लोग दोस्तों मेंडलीव की बात करें तो मेंडलीव ने दोस्तों क्या किया था एटॉमिक वेट के आधार पर दोस्तों क्या किया था इसको अरेंज किया था. ठीक है जो मेंडलीव था इसने एटॉमिक वेट के बेस पर किया था और जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो दोस्तों एटॉमिक नंबर के बेस पर है. ठीक है ना चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. What is C12H22O11 also known as? यानी दोस्तों इसको किस नाम से जाना जाता है ये किसका फॉर्मूला ये पूछा गया है जल्दी बताइए. बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है. बहुत ही बढ़िया बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल बहुत बढ़िया. चलिए सही आंसर आ रहा है दोस्तों शक्कर का शुगर का ही फॉर्मूला होता है C12H22O11. देखिए यहां पर अनिल जी ने पूछा है कि ट्राइड क्या होते हैं तो ट्राइड में बता दूं आपको थ्री सिमिलर एलिमेंट. ठीक है किसी भी तीन सिमिलर एलिमेंट्स को यहां पर हम लोग ट्राइड बोलते हैं दोस्तों ट्राइड. ठीक है ट्राइड का मतलब होता है कि ऐसे तीन एलिमेंट का समूह जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती हो जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में दोस्तों एक जैसी होती हो. ठीक है ना तो यहां पर डोबरनियर ने यही कह रहा था तीन एक जैसे एलिमेंट्स को एक साथ रखा फिर तीन को एक साथ रखा इस तरीके से ट्राइड के फॉर्म में दोस्तों उन्होंने रखा था. ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों. व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनिमल टिश्यू. निम्न में से क्या एक पशु ऊतक दोस्तों नहीं है. आदित्य सोनम जी बताइए. बहुत ही बढ़िया
ठीक है अमित जी, प्रयास करेंगे एक काम करने का। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर यहाँ पे दोस्तों मृदु तक हो जाएगा, जो फ्रेंकाइमा होते हैं यही दोस्तों पशुओं में नहीं पाए जाते। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़िए दोस्तों। ब्लड प्लाज्मा हैज अ पीएच ऑफ, रक्त प्लाज्मा का पीएच क्या है? रक्त प्लाज्मा का पीएच कितना होता है? 7.4, 7.8, 6.9 या 6.3? रक्त प्लाज्मा का पीएच दोस्तों यहां पे कितना होगा? अरुण कुमार जी बिल्कुल सही दोस्तों, 7.4 इज द राइट आंसर। यानी हमारा ब्लड कैसा होता है दोस्तों? बेस होता है, एक एक प्रकार का दोस्तों क्षार होता है। बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। बढ़िए आगे बढ़िए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द साइंटिस्ट हू फर्स्ट ऑब्जर्व द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड द मैग्नेटिज्म इज, यानी किस वैज्ञानिक ने पहली बार विद्युत और चुंबकत्व के बीच संबंध को अवलोकित किया था, यानी दोस्तों ऑब्जर्व किया था? अब इसका आंसर बताइए। मानवी गुप्ता जी, मतेंद्र जी, जिंदगी जी, सभी लोग बताइए इसका आंसर। किस वैज्ञानिक ने यह काम दोस्तों किया था? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही आंसर यहां पे आ गया है, हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड दोस्तों। इन्होंने सबसे पहले बताया था क्या कि विद्युत और चुंबकत्व के बीच में कोई संबंध होता, सबसे पहले दोस्तों इन्होंने बताया था। उसके बाद माइकल फैराडे ने अपने दोस्तों नियम भी दिए थे, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने क्या किए थे, अपने चुंबकत्व के नियम भी दिए थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेनन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरे का चमकदार होना ये किस घटना के कारण दोस्तों होता है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए, हीरे का चमकना किस घटना के कारण यहां पर हो जाता है? चलिए चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, पूर्ण आंतरिक परावर्तन इज द राइट आंसर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लीजिए। पल्मोनरी वेन्स आर द वेन्स दैट कैरी दोस्तों, ये बहुत ही कंफ्यूजन में रहता है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फुफ्फुसी शिराएं ये क्या ले जाती हैं? पल्मोनरी जो वेन्स होती हैं दोस्तों ये क्या ले जाती हैं? फुफ्फुसी शिराएं ये क्या ले जाती हैं दोस्तों, बताइए जुबैर अंसारी जी। चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त ब्लड, इसको एक बार मैं आपको समझा देता हूं ताकि आप कभी भी दोस्तों अपनी लाइफ में भूले ना। यहां पर देखिए ये तीन चीजें दोस्तों यहां पर मैंने बताई हैं, ठीक है। इसको मान लीजिए अपनी बॉडी, ठीक है, इसको मान लीजिए अपना हार्ट और इसको मान लीजिए अपने लंग्स, ठीक है। अब होता क्या है कि बॉडी से हार्ट में इंप्योर ब्लड जाता है और हार्ट से फिर लंग्स में इंप्योर ब्लड दोस्तों जाता है, ठीक है। इंप्योर ब्लड जो होता है वो इस प्रकार से दोस्तों यहां से बॉडी से हार्ट में जाता है और हार्ट से लंग्स में और फिर लंग्स से प्योर होकर हार्ट में दोस्तों आता है प्योर ब्लड और फिर हार्ट से बॉडी में दोस्तों यहां पर प्योर ब्लड आ जाता है, ठीक है। प्योर ब्लड की बात करेंगे तो वो दोस्तों हमारे हार्ट से बॉडी में इस प्रकार से आता है। अब याद रखना है कि बॉडी से हार्ट में जब आता है तो दोस्तों इसको ले जाती है वेन्स, लेकिन जब हार्ट से बॉडी में प्योर ब्लड आएगा तो इसको ले जाएंगी आर्टरीज। इसी प्रकार अगर इंप्योर ब्लड हार्ट से लंग्स में आएगा तो इसको ले जाने वाली जो होंगी वो दोस्तों होती है पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी आर्टरीज, और लंग्स से वापस प्योर ब्लड जाने वाले जो होते हैं वो होते हैं दोस्तों पल्मोनरी वेन्स। ये यहां पर थोड़ा सा उल्टा होता है इसीलिए इसको याद करना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। द मेन कंपोनेंट ऑफ बायोगैस इज, बायोगैस का मुख्य कंपोनेंट क्या होता है? बायोगैस का मुख्य कंपोनेंट यहां पूछा गया है, मेन कंपोनेंट क्या होता है यहां पर दोस्तों बायोगैस का? आसान आंसर है, जल्दी से मुझे आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया सही आंसर दोस्तों, मीथेन इज द राइट आंसर, मीथेन बिल्कुल सही आंसर दे दिया सभी लोगों ने। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए दोस्तों। व्हाट डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द पावर एंड वेलोसिटी ऑफ द विंड, यानी दोस्तों यहां पर सीधे पूछा गया है कि कौन सी डिवाइस ऐसी है जिससे हवा की दोस्तों पावर और स्पीड को नापा जाता है, मुझे बताइए तेजी से। बहुत ही बढ़िया सही आंसर यहां पे दोस्तों आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर बताइए इसका। चलिए चलिए बिल्कुल सही आंसर आप सभी का आ रहा है, आप सभी का यहां पर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, बहुत बढ़िया। चलिए बाकी लोग बताइए,
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, सही आंसर यहां पर सभी का आ गया है। एनीमोमीटर इज द राइट आंसर, जो विंड की पावर और वेलोसिटी को नापता है। एल्टीमीटर दोस्तों एल्टीट्यूड को नापता है, हम सभी को मालूम है एल्टीट्यूड को, ठीक है। डायनामोमीटर जो है दोस्तों ये भी हम सभी को मालूम है, डायनामोमीटर क्या करता है मैकेनिकल फोर्स को नाप लेता है दोस्तों, है ना। हम सभी को मालूम है जो मैकेनिकल फोर्स होता है यानी यांत्रिक बल, जो मैकेनिकल फोर्स होता है यांत्रिक बल जो होता है उसको नापने के लिए हम लोग डायनामोमीटर का प्रयोग करते हैं। और ऑडियोमीटर दोस्तों क्या करता है, ये ऑडियो फ्रिक्वेंसी को देखता है दोस्तों, है ना, ऑडियो एक्टिविटी को देखता है। जो ऑडियो एक्टिविटी हम लोग करते हैं, वॉइस एक्टिविटी करते हैं, उनको दोस्तों देखने का काम करता है ऑडियोमीटर कर देता है। चलिए बढ़ जाइए आगे दोस्तों इस क्वेश्चन के बाद। अगला क्वेश्चन देखिए, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन, यानी फोटोसिंथेसिस दोस्तों कहां होता है, क्या पौधों की जड़ों में होता है, क्या पौधों के पत्तों में होता है, हरे भाग में होता है, तने में होता है, या सभी भागों में होता है, कहां पर दोस्तों पौधे में होता है मुझे बताइए इसका आंसर। चलिए सही आंसर दोस्तों आ गया है, बिल्कुल सही आंसर, हरे भाग में होता है, पौधे का जो भी हरा भाग होगा वहीं पर दोस्तों फोटोसिंथेसिस की क्रिया यहां पर की जाती है। सही आंसर आप सभी का आ गया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, द पिगमेंट दैट प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट इज अल्ट्रा वर्ड्रेस, यानी कौन सा पिगमेंट ऐसा है जो पौधे की रक्षा करता है किससे, अल्ट्रा वायलेट रेस से दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका आंसर मुझे आप बताइए, कौन ऐसा है जो पौधे को अल्ट्रा वायलेट रेस से बचाता है। सुंदर दोस्तों सुंदर, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है, कैरोटीनॉइड दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, इसको दोस्तों आप लोग जरूर याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़िया आगे दोस्तों, इंसुलिन इज अ हार्मोन विच सेक्रेट्स फ्रॉम, इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका स्राव दोस्तों कहां से होता है, इंसुलिन कहां से निकलता है। अमित जी मैराथन भी करेंगे आप निश्चिंत रहिए। चलिए सही आंसर आ गया दोस्तों, इंसुलिन की बात करें तो पेनक्रियाज से ही निकलता है, और ये कई बार आपको बता चुका हूं कि पेनक्रियाज में जो बीटा सेल होती है, बीटा सेल वही दोस्तों क्या करती है, इस इंसुलिन को निकालती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए। सी वाटर इज सैलिटरियर देन रेन वाटर बिकॉज, सागर का पानी जो है बारिश के पानी से अधिक नमकीन होता है, तो ऐसा क्यों होता है, बारिश के पानी से ये अधिक नमकीन दोस्तों होता है तो ऐसा क्यों होता है, ये पूछा गया है, बताएं मुझे तेजी से ऐसा क्यों होता है। चलिए बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, बहुत सुंदर सही आंसर यहां पे दोस्तों आ रहा है, आप सभी का यहां पे सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही। अगर समुद्र की बात करें तो रिवर्स वॉश अवे सॉल्ट्स फ्रॉम अर्थ एंड प्योर देम इनटू द सी, यानी नदियां जो है वो दोस्तों समुद्र में क्या ले जाती है, यहां पर नमक को ले जाती है, लवण को ले जाती है, और उसी वजह से वो दोस्तों खारे हो जाते हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन इज ऑब्टेंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया क्वेश्चन, पेनिसिलिन जो होती है उसे एंटीबायोटिक ये कहां से प्राप्त की जाती है, क्या सिंथेटिक प्रोसेस से बनाई जाती है, क्या किसी बैक्टीरिया से प्राप्त होती है, किसी फंगाई से प्राप्त होती है, या कहां से प्राप्त होती है दोस्तों ये अपनी पेनिसिलिन। रिंपा दास जी, समीर कुमार वर्मा जी, चलिए बताइए इसका आंसर, सही आंसर है दोस्तों कवक से प्राप्त होती है, यानी फंगाई से दोस्तों ये प्राप्त होता है, बिल्कुल यहां पर सही आंसर आप सभी ने दिया है, बहुत सुंदर। चलिए 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 आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, लाइमस्टोन इज अ रॉ मटेरियल यूज्ड बाय विच इंडस्ट्री, यानी चूना पत्थर को दोस्तों किस उद्योग में उपादान की तरह दोस्तों यूज किया जाता है, ये मुझे बताइए, किस उद्योग में इसका यूज करते हैं, ये सीधा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए चूना पत्थर का यूज हम कहां करते हैं। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, सीमेंट इंडस्ट्री में ही हम लोग क्या करते हैं, इसको रॉ मटेरियल की तरह दोस्तों इस्तेमाल करते हैं, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर दोस्तों हवा में ध्वनि की गति कितनी होगी, ये फिर से आसान क्वेश्चन आ गया है, हवा में ध्वनि की गति पूछी है दोस्तों, बताइए जल्दी से। चलिए सही आंसर दोस्तों आ गया, सही आंसर यहां पे आ गया 331 मीटर पर सेकेंड, 331 मीटर पर सेकेंड यहां पर सही आंसर होगा, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन यहां पे आ गया है, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम गिव्स द नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग,
यानी परमाणु की परमाणु संख्या निम्नलिखित में से किसकी संख्या देती है। परमाणु संख्या का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या। जिंदगी जी, सिविल इंजीनियर जी, प्रियवत्रा जी, सिद्धि गुप्ता जी, रिंपा जी, बहुत सुंदर, सही आंसर आपका आ गया है, बहुत बढ़िया, सही आंसर यहां पे आ गया है, प्रोटॉन दोस्तों राइट आंसर है, प्रोटॉनों की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस द रेट ऑफ द हार्ट बीट, निम्न में से एक किस विकल्प की जगह से दिल की धड़कन की दर दोस्तों बढ़ जाती है, किस वजह से दिल की धड़कन की दर दोस्तों बढ़ जाती है, क्या पेरिफेरल नर्व्स की वजह से, सिंपैथेटिक नर्व की वजह से, पैरासिंपैथेटिक नर्व की वजह से या क्रैनियल नर्व की वजह से, किस वजह से दिल की धड़कन दोस्तों बढ़ जाती है। चलिए सुंदर आंसर बिल्कुल सही, अनुकंपी तंत्रिका सिंपैथेटिक नर्व की वजह से दोस्तों बढ़ जाती है, सही आंसर है। तो दोस्तों यहां पर एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि आपको इस लेक्चर की पीडीएफ फाइल जो है वो इसी टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी, @shubhamsir_textbook। टेलीग्राम पर जाकर आपको सर्च करना होगा @shubhamsir_textbook और वहीं से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर दोस्तों आपको लेटेस्ट एग्जाम की जानकारियां भी प्राप्त होती रहेंगी। तो @shubhamsir_textbook दोस्तों यही वो ग्रुप है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, निम्न में से कौन सा समन्वय यौगिकों की विशेषता नहीं है, निम्न में से कौन सा है जो समन्वय यौगिकों की विशेषता नहीं है दोस्तों। चलिए बिल्कुल सही, बेरोजगार यादव जी सही आंसर देंगे आप लोग भी। चलो भैया सही आंसर आ गया है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है। दीज कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो समन्वय यौगिक होते हैं, कोऑर्डिनेट यौगिक होते हैं, वो दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, इसीलिए यही ऑप्शन दोस्तों यहां पर हो जाएगा अलग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए दोस्तों। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमरजेंसी हार्मोन इन ह्यूमंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। इमरजेंसी हार्मोन दोस्तों कौन सा होता है, क्या थायरोक्सिन को इमरजेंसी कहते हैं, इंसुलिन को कहते हैं, एड्रिनालिन को कहते हैं या फिर प्रोजेस्टेरॉन, किसको यहां पर दोस्तों हम लोग इमरजेंसी हार्मोन के रूप में जानते हैं, बताएंगे मुझे सभी लोग। चलिए सुंदर दोस्तों, बेहतरीन सुंदर आंसर यहां पे आ गया है, ऑप्शन नंबर 3 एड्रिनालिन दोस्तों, इसी को हम लोग लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं, लड़ो और उड़ो, ठीक है, लड़ो और उड़ो यानी फाइट एंड फ्लाई, फाइट एंड फ्लाई, यही दोस्तों कहा जाता है एड्रिनालिन को, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। ब्यूटेन इज यूज्ड एज फ्यूल इन विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, यानी ब्यूटेन का निम्न में से किस चीज में ईंधन के रूप में दोस्तों प्रयोग किया जाता है, ब्यूटेन का निम्न में से किस चीज में ईंधन के रूप में दोस्तों प्रयोग किया जाता है, क्या सिगरेट लाइटर्स का, पोर्टेबल स्टोव्स का, प्रोपेलेंट इग्निशन का या फिर दोस्तों ऑल ऑफ द अबव, किसका प्रयोग यहां पर दोस्तों ईंधन के रूप में किया जाता है। सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सभी है 4 है, सिगरेट के लाइटर्स में भी ब्यूटेन का इस्तेमाल करते हैं, पोर्टेबल स्टोव में भी करते हैं और प्रोपेलेंट करते हैं एरोसोल में, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4 दोस्तों। चलिए आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स हैव रूट नूडल्स, निम्न में से किस पौधे में रूट नूडल्स होते हैं, आसान क्वेश्चन दोस्तों तेजी से बताएंगे, किस पौधे में रूट नोडल्स होते हैं, फलदार पौधों में, परजीवी पौधों में या फिर दोस्तों एफिलिक पौधों में या एक्वाटिक पौधों में। श्रुति जी, सौरभ जी सही आंसर यहां पे आ गया है ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों, फलदार पौधों में, लिग्नस प्लांट्स में ही दोस्तों क्या होता है, रूट नोडल्स पाए जाते हैं, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अर्थवॉर्म्स बिलोंग टू द फाइलम, केचुआ जो है ये किस संघ से दोस्तों संबंधित है, केचुआ किस संघ से संबंधित है, क्या प्रोटोजोआ से या सिंडारिया से, एनिलिडा से या फिर दोस्तों मोलस्का से, किस संघ से संबंधित है केचुआ, प्रोटोजोआ, सिंडारिया, एनिलिडा या फिर मोलस्का। चलिए सही आंसर दोस्तों, बढ़िया सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर यहां पर आ गया, ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही होगा, एनिलिडा से ही संबंधित है हमारा दोस्तों अर्थवॉर्म। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। एन इमल्शन इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ, एक इमल्शन दोस्तों किसका कोलाइडल मिश्रण होता है, किसका कोलाइडल मिश्रण होता है दोस्तों हमारा ये इमल्शन, क्या लिक्विड है लिक्विड का, तरल में ठोस का, ठोस में गैस का या ठोस में ठोस का।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही आंसर है। इमल्शन की बात करेंगे दोस्तों तो तरल में तरल का सॉल्यूशन होता है, लिक्विड इन लिक्विड दोस्तों जो होता है वही इमल्शन होता है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, बैक्टीरियल डीकंपोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल अंडर अनएरोबिक कंडीशन इज, यानी अवायवीय परिस्थिति के तहत जैविक सामग्री के बैक्टीरियल अपघटन को दोस्तों क्या कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेजी से बताएंगे। बैक्टीरियल डीकंपोजिशन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल अंडर अनएरोबिक कंडीशन इज, यानी क्या कहते हैं दोस्तों इसको, ये आपको बताना है, तेजी से बताइए इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया बहुत ही सुंदर, चलिए चलिए बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ गया है, सही आंसर यहां पे आ गया है, आप सभी ने यहां पर सही आंसर दिया है, सुंदर आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर वन, फर्मेंटेशन इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, तेजी से देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सही आंसर मुझे बताएंगे फिर से। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, निम्न में से कौन सा तत्व सामान्य तापमान पर दोस्तों तरल होता है, सामान्य तापमान पर निम्न में से कौन सा दोस्तों तरल होता है, फॉस्फोरस पारा सोडियम या फिर दोस्तों एल्यूमिनियम, चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, पारा इज द राइट आंसर, पारा ही यहां पर कैसा होता है, लिक्विड होता है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नाइट्रोजनस वेस्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स इज, मानव के नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट क्या होते हैं, क्या ये अमोनिया होता है, क्या ये यूरिया होता है, अमोनियम नाइट्रेट होगा या यूरिक एसिड होगा, मानव के जो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट होते हैं वो कौन से होते हैं, स्मार्ट शंकर जी सही आंसर है दोस्तों, यूरिया ही होता है वो, यूरिया ही सही आंसर है यहां पर, ऑप्शन नंबर चार पर मत जाइए, ऑप्शन नंबर चार नहीं ऑप्शन नंबर दो सही होगा, यूरिया, ठीक है। चलेंगे आगे बढ़ेंगे, स्पाइडर्स बिलोंग टू फाइलम, मकड़ियां किस समुदाय से संबंधित हैं, क्या ये मोलस्क में होती है, एनालिड में होती है, सिनिडारिया में होती है या फिर दोस्तों आर्थ्रोपोडा में होती है, किस में दोस्तों होती है मकड़ियां, स्नेहा जी, प्रशांत कुमार जी, अजय गुप्ता जी, चलिए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, आर्थ्रोपोडा इज द राइट आंसर, बहुत ही सुंदर। आगे बढ़िए दोस्तों, एचआईवी अटैक्स विच ऑफ द फॉलोइंग सेल, एचआईवी जो होता है दोस्तों किस सेल को संक्रमित करता है, किस कोशिका पर दोस्तों यह आक्रमण करता है, क्या हमारी बीटा कोशिकाओं पर, टी कोशिकाओं पर, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर या फिर टी हेल्पर सेल्स पर, किस पर दोस्तों आक्रमण करके खत्म कर देता है उन्हें, बहुत बढ़िया सही आंसर दोस्तों है, टी हेल्पर सेल्स पर ही आक्रमण करता है एचआईवी का वायरस, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन। आगे बढ़िए अगला देखिए, रूट प्रेशर इज ड्यू टू, यानी जड़ दबाव किसके कारण होता है, जड़ दबाव जो है दोस्तों ये किसके कारण होता है, गिरीश शर्मा जी, राज गौतम जी, बहुत सुंदर बिल्कुल सही, रिम्पा दास जी, श्रुति जी, सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर तीन यहां पर सही आंसर है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन पर ही डिपेंड करता है दोस्तों जड़ का दबाव, सही आंसर है ऑप्शन नंबर फोर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग पल्स क्रॉप डज नॉट फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, निम्न में से कौन सी दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन को निर्धारण नहीं कर सकती, यानी वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स दोस्तों कौन सी फसल नहीं करती है, जिंदगी जी कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए, सही आंसर याद करिए। चलिए सही आंसर यहां पे आ गया दोस्तों, राजमा है, राजमा यही दोस्तों जो है वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को फिक्स नहीं कर सकती, सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, व्हाट कंडक्शन टेक प्लेस इन द मोसेस थ्रो, यानी काई में पानी का संवहन किसके द्वारा होता है, जो काई होती है इसमें पानी का संवहन किसके द्वारा होता है, जाइलम फ्लोएम, जाइलम या कोलेनकाइमा या फिर पेरेनकाइमा दोस्तों, शर्मिष्ठा जी, प्रशांत कुमार जी, सभी लोग बताइए आंसर, कौशर जी, चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन सारे ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में बनेंगे, एक एक क्वेश्चन यहां पे सिलेक्टेड है, एक एक क्वेश्चन यहां पे इंपॉर्टेंट है। चलिए सही आंसर यहां पे दोस्तों जाइलम ही होता है, जो जल का यानी पानी का संवहन करता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अ क्रॉक्ड बॉटल फुल ऑफ वाटर व्हेन फ्रोजन विल ब्रेक बिकॉज, यानी पानी से भरी हुई एक बोतल है जो बंद बोतल है वो जमने पर दोस्तों टूट जाती है, तो ऐसा क्यों होता है, पानी से भरी हुई बोतल को अगर दोस्तों जमा दिया जाए तो वो टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है दोस्तों, ये पूछा गया है, मुझे बताएंगे तेजी से कि ऐसा क्यों होता है दोस्तों, जल्दी से बताइए।
तेजी से इसका आंसर बताइए, तेजी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, सही आंसर यहां पे आ गया दोस्तों। जमाने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर दो दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर दो। मैं आपको बता दूं कि 4 डिग्री से जब 0 डिग्री की तरफ जाया जाता है तो नॉर्मली पानी का वॉल्यूम जो है दोस्तों वो बढ़ जाता है, और इसी प्रकार जब 0 डिग्री से अगर हम जाएंगे दोस्तों 4 डिग्री की तरफ तो क्या होता है, वॉल्यूम पानी का जो है वो घट जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, आउटर कोटिंग ऑफ अ कैप्सूल इज मेड अप ऑफ, यानी कैप्सूल का बाहरी आवरण जो है वो किस चीज से बना होता है, प्रोटीन से, कैल्शियम कार्बोनेट से, फैट से, या फिर दोस्तों जिलेटिन से, किस चीज से बना होता है कैप्सूल का बाहरी आवरण, इंपॉर्टेंट है दोस्तों बताएं तेजी से। सही सही दोस्तों, बिल्कुल सही, जिलेटिन से बना होता है, जिलेटिन से ही कैप्सूल का बाहरी आवरण दोस्तों बना होता है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन द कैडमियम रिएक्ट विद H2S गैस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये, बताएंगे इसका आंसर। कैडमियम अगर क्रिया करेगा H2S के साथ तो दोस्तों क्या बन जाएगा, अगर कैडमियम क्रिया करेगा तो क्या बन जाएगा, सही आंसर यहां पे आ गया है, बिल्कुल सही दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, सही आंसर यहां पर CDS है, यानी कैडमियम, कैडमियम सल्फाइड, बिल्कुल सही आंसर, बहुत सुंदर। चलिए चलिए आगे बढ़ जाइए, द रेड कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड इज ड्यू टू, मानव रक्त के लाल रंग की वजह क्या होती है, मानव रक्त में लाल रंग क्यों होता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया है, तो हम सभी को मालूम है हीमोग्लोबिन की वजह से ही क्या होता है, ब्लड जो होता है मानव का वो कैसा होता है दोस्तों, बिल्कुल ही रेड होता है, यानी लाल होता है। चलिए सुंदर दोस्तों आगे की ओर बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नोन एज व्हाइट विट्रोल, निम्न में से किस यौगिक को सफेद विट्रोल के रूप में जाना जाता है, अब ये क्वेश्चन फिर से हो गया इंपॉर्टेंट, सफेद विट्रोल के रूप में किसको जानते हैं हम लोग, बताएं तेरी से। चलिए चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर दोस्तों। सुंदर सुंदर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ गया है, बहुत बढ़िया, सही आंसर उसमें यहां पे आ गया है ZnSO4, जिंक सल्फेट डॉट 7H2O, इसको ही दोस्तों हम लोग व्हाइट विट्रोल के रूप में जानते हैं। और यहीं पर एक और चीज याद करिए, जो ग्रीन विट्रियोल होता है, ग्रीन विट्रियोल याद करिए FeSO4 दोस्तों, बिल्कुल FeSO4 यही वो होता है जिसको दोस्तों हम लोग ग्रीन विट्रियोल के नाम से भी जानते हैं, तो इसको भी दोस्तों यहां पर आप लोग यहां पर याद करिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैडमियम क्लोराइड इज फिल्ड विद वाटर, यानी कैडमियम क्लोराइड को पानी के साथ उपचारित किए जाने पर क्या प्राप्त होगा, कैडमियम क्लोराइड को अगर पानी के साथ उपचारित करेंगे तो दोस्तों क्या चीज प्राप्त होगी, बिल्कुल देखिए स्मार्ट शंकर जी, डेली अपनी क्लास होती है मॉर्निंग में 8:30, सुबह 8:30 हम लोग सब लोग प्रकट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, सही आंसर यहां पे आ गया है, सही आंसर आ गया है, CDUH का ओल्ड वाइज, यानी कैडमियम हाइड्रोक्साइड दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत सुंदर। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अमलगमिस, पारद मिश्रण का एक महत्वपूर्ण घटक कौन सा है, सभी को मालूम है, सभी को यह बात मालूम है दोस्तों। देखिए भावेन उपाध्याय जी, ग्रुप डी की एग्जाम अभी दोस्तों ऐसा कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों, HG पारा ही है एक अमलगम का मुख्य घटक, बाकी चीजें बदल जाती है, पारा वही रहता है। अगला बताइए, कांस के मुख्य घटक दोस्तों, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्रोंज, ब्रोंज के मुख्य घटक दोस्तों क्या क्या होंगे यहां पर, जल्दी से बताइए इसका आंसर, ब्रोंज के मुख्य घटक दोस्तों क्या क्या होंगे। चलिए सही आंसर यहां पे आ गया है, Cu और Sn, यानी दोस्तों कॉपर और बिल्कुल सही Sn, बिल्कुल सही Cu और Sn दोस्तों जो है वो यहां पर क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट होंगे ब्रोंज के मुख्यतः। चलिए आगे बढ़ जाइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ अ चार्ज E, यानी आवेश की जो मूल इकाई होती है E, उसका दोस्तों क्या मान होता है, जो मूल इकाई होती है E उसका मान कितना होता है, क्या 1.8 × 10⁸ जूल होता है, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता है, 1 एम्पियर होता है, या क्या होता है, कितनी वैल्यू होती है एक इकाई आवेश की।
सुंदर दोस्तों, सुंदर बिल्कुल सही, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। और यही दोस्तों किस पर होता है, प्रोटॉन पर भी यही चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पर भी यही चार्ज होता है, बस प्रोटॉन पर होता है प्लस का 1.6 × 10⁻¹⁹ और इलेक्ट्रॉन पर जो होता है वो माइनस का होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज डिफाइंड एज, विद्युत क्षेत्र रेखा को किस रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत क्षेत्र लाइन दोस्तों क्या होती हैं? ये सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मुझे तेजी से इसका आंसर दीजिए, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सही आंसर आ गया है, बिल्कुल सही दोस्तों। पाथ ऑफ टेस्ट चार्ज प्लेस इन फील्ड, यानी किसी क्षेत्र में रखे जाने पर परीक्षण आवेश का पथ दोस्तों जो होता है उसी को विद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों, बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज नॉट प्रेजेंट इन द अलॉय ऑफ गन मेटल, गन मेटल में दोस्तों इनमें से क्या शामिल नहीं होता, गन मेटल में इनमें से क्या शामिल नहीं होता, बताएंगे मुझे तेरी से। बताइए जल्दी से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही आंसर यहां पे आ गया है, सही आंसर आप सभी ने यहां पर दिया है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आप सभी ने यहां पर दे दिया है, सही आंसर है दोस्तों यहां पर अपना ऑप्शन नंबर 3 यानी निकिल दोस्तों यहां पर सही आंसर है, बहुत सुंदर। चलिए चलिए आगे बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ करंट, धारा की एसआई इकाई दोस्तों क्या होगी, धारा की एसआई इकाई पूछिए, आसान क्वेश्चन हो गया है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये तो, धारा की एसआई इकाई पूछी है वो तो हम सभी को मालूम है, एम्पियर होगी दोस्तों, बिल्कुल सही, एम्पियर यहां पर जो है वो धारा की एसआई इकाई हो जाएगी, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द फिक्सिंग नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, यानी कौन सा सूक्ष्म जीव हवा से सीधे नाइट्रोजन प्राप्त कर मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को दोस्तों बढ़ा देता है, कौन सा वो सूक्ष्म जीव है, क्या वो गोल्डन एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, या फिर दोस्तों डायटम है। श्रुति जी, प्रभाकर राज जी, योगेश निम्बालकर जी, शर्मिष्ठा गांगुली जी, चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, ब्लू ग्रीन एल्गी इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्योर वाटर ऑफ द रिवर गंगा, यानी कौन सा सूक्ष्म जीव ऐसा है जो दोस्तों गंगा नदी के शुद्ध जल के लिए जिम्मेदार है, गंगा नदी के शुद्ध जल के लिए कौन दोस्तों जिम्मेदार है, ये बताइए मुझे, जल्दी से इसका आंसर दीजिए, गंगा नदी के शुद्ध जल के लिए कौन दोस्तों जिम्मेदार है। बहुत सुंदर बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ गया है, बहुत बढ़िया, सही आंसर यहां पे दोस्तों हो जाएगा बैक्टीरियोफेजस दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत ही सुंदर। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं तेजी से दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, इन इंडस्ट्रियल सेक्टर विच ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज मोस्ट वाइडली यूज्ड, यानी औद्योगिक क्षेत्र में किन सूक्ष्म जीवों के समूह का अधिक व्यापक तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, क्या बैक्टीरिया और फंगाई का, क्या बैक्टीरिया और एल्गी का, क्या बैक्टीरिया और माइक्रोलेग का, या बैक्टीरिया माइक्रोलेग या फिर फंगी का, इनमें से किसका इस्तेमाल व्यापक रूप में दोस्तों किया जाता है। अमजद जी बिल्कुल सही और बढ़ रहे हैं दोस्तों, बैक्टीरिया माइक्रोएल्गी और फंगाई इन तीनों का इस्तेमाल दोस्तों तेजी से किया जाता है और समूह का व्यापक रूप में इस्तेमाल दोस्तों किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फिल्ट्रेशन इन द किडनी, वृक्क में छानने का कार्य दोस्तों कौन करता है, कि येलो फाइबर करता है, एक्सॉन करता है, नेफ्रॉन करता है, या फिर न्यूरॉन करता है, वृक्क में छानने का कार्य दोस्तों कौन करता है, ये बताएंगे मुझे। स्नेहा जी, निखिल कुमार जी, सिद्धि गुप्ता जी, अर्चना कुमारी जी, सभी लोग बताइए इसका आंसर। चलिए बहुत सुंदर, सही आंसर यहां पर आ गया है, सही आंसर यहां पर आ गया दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है नेफ्रॉन यहां पर, बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग मेड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ एटम्स, यानी किसने दोस्तों परमाणुओं के अध्ययन में एक विशेष योगदान अपना दिया था, महत्वपूर्ण योगदान परमाणुओं के अध्ययन में किसने दिया, मैरी क्यूरी ने, नील्स बोर ने, या फिर निकोला टेस्ला ने दोस्तों। श्रुति जी, स्नेहा जी, शुभम श्रीवास्तव जी, मिस्टर परफेक्ट जी,
रिंपा दास जी, अनिकेत तोमर जी, सभी लोग बताएंगे। चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है नील्स बोर। इस तरह आंसर नील्स बोर नहीं, परमाणुओं के अध्ययन में दोस्तों महत्वपूर्ण रोल निभाया था। आगे बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। What is an equipotential surface दोस्तों, सम विभव पृष्ठ क्या होता है? अब ये क्वेश्चन दोस्तों इंपॉर्टेंट भी है और कंफ्यूजिंग भी है, मुझे सही से इसका आंसर देंगे। सम विभव पृष्ठ के बारे में पूछा गया है, तेजी से मुझे बताइए सम विभव पृष्ठ दोस्तों क्या होता है, आसानी से बताइए इसका आंसर दोस्तों, तेजी से बताइए इसका आंसर। सम विभव पृष्ठ कौन सा होता है? बहुत सुंदर सही आंसर यहां पे मिल गया है, सही आंसर यहां पे मिल गया दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है सरफेस विद अ कांस्टेंट पोटेंशियल, यानी स्थिर विभव वाले पृष्ठ को हम लोग दोस्तों यहां पर सम विभव पृष्ठ कहते हैं। बढ़िया, आगे इंसेक्ट दैट इज हार्मफुल टू ह्यूमन, कौन सा कीड़ा मानव के लिए हानिकारक है? क्या लेक इंसेक्ट, सिल्क वॉर्म, पेड इंसेक्ट या फिर बी, कौन सा इनमें कीड़ा होता है जो मानव के लिए बहुत हानिकारक है दोस्तों, जल्दी से बताइए। सलीम यूसुफ जी, देखिए आपका नाम भी मैंने ले लिया, सिद्धि गुप्ता जी, मानवी जी, स्नेहा जी, प्रशांत जी, सभी लोग बताइए। विकास जी, निखिल कुमार जी, दीपू जी, बहुत बढ़िया, प्रत्युष जी, चलिए सही आंसर यहां पे आ गया है, मक्खी दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है बी, यहां पर सही आंसर है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है। पेडी इंसेक्ट दोस्तों धान के लिए हानिकारक होगा, लेकिन बी जो है मनुष्य के लिए हानिकारक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, द एसिड यूज इन आई वॉश इज, यानी आंख को धोने में दोस्तों कौन से अम्ल का प्रयोग करते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंख को धोने में दोस्तों किसका इस्तेमाल करते हैं? ऑक्सैलिक एसिड का, बोरिक एसिड का, नाइट्रिक एसिड का या फिर दोस्तों नन? बिल्कुल सही दोस्तों, बोरिक एसिड इज द राइट आंसर, बोरिक अम्ल का ही प्रयोग करते हैं हम लोग आंखों को धोने में, सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू। बढ़ जाइए आगे दोस्तों, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिड ऑफ HCl, HI, NHF इज, यानी HCl, HI और HF की अम्लीय शक्ति का बढ़ता क्रम बताना है, कौन सा अम्ल दोस्तों सबसे खतरनाक है, सबसे ज्यादा एसिडिक है, ये बताना है आपको। बहुत ही बढ़िया, सही आंसर यहां पे है HF, HCl और HI दोस्तों, सबसे ज्यादा एसिडिक होता है HF यानी हाइड्रोजन फ्लोराइड, उसके बाद होता है हाइड्रोजन क्लोराइड और उसके बाद होता है हाइड्रोजन आयोडाइड दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन दोस्तों। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज अमाउंट ऑफ यूरिक एसिड इन यूरिया, यानी यूरिया में दोस्तों यूरिक एसिड कितना होगा? बढ़िया दोस्तों, बढ़िया बिल्कुल सही आंसर है यूरिया में होता है 0% यूरिक एसिड होगा यूरिया में, ये आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों। चलिए बढ़िया आगे, अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ द नेचर फॉर लाइट, द लाइट हैज, यानी प्रकाश की प्रकृति के लिए जो आधुनिक सिद्धांत है उनके अनुसार दोस्तों प्रकाश में क्या होता है? क्या प्रकाश में वेव और पार्टिकल दोनों होते हैं, क्या दोनों में से कोई नहीं होता, या केवल वेव होता है और केवल पार्टिकल होता है, क्या चीज होती है दोस्तों? बहुत सुंदर, बिल्कुल सही जवाब दोस्तों आ गया है, कण और तरंग दोनों ही प्रकृतियां होती हैं प्रकाश में, सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन। बढ़िया आगे बढ़िए, क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू वॉटर इज मिनिमम फॉर, यानी कांच से पानी तक प्रकाश का क्रांतिक कोण दोस्तों किसके लिए न्यूनतम होगा? कांच से पानी में प्रकाश का क्रांतिक कोण किसके लिए न्यूनतम होगा? तेजी से बताइए किसके लिए यह न्यूनतम होगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, सही आंसर आ रहे हैं, सभी के सही आंसर यहां पे आ रहे हैं, बहुत ही सुंदर, बिल्कुल सही यहां पे आंसर है वॉयलेट कलर दोस्तों, सही आंसर है, बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, What is the name of the energy band where free moving electrons reside in a matter? यानी उस ऊर्जा बैंड का नाम क्या है जहां मुक्त रूप से घूर्णन करते हुए इलेक्ट्रॉन किसी धातु में रहते हैं? जल्दी से अब इसका आंसर मुझे दीजिए आप लोग। बहुत ही बढ़िया बिल्कुल सही आंसर मिल रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर यहां पे मिल रहा है, सही आंसर आप सभी का यहां पर आ गया है ऑप्शन नंबर तीन दोस्तों, कंडक्शन बैंड यानी चालन बैंड जो होते हैं वही दोस्तों ऐसे होते हैं जहां घूर्णन करते हुए इलेक्ट्रॉन किसी धातु में रहते हैं। आगे बढ़िए, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, यानी आपेक्षिक घनत्व की एसआई इकाई क्या है? ये आसान क्वेश्चन आ गया है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बढ़िया, इनमें से कोई भी आपेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं होता,
क्योंकि रिलेटिव डेंसिटी पर दोस्तों कोई यूनिट नहीं होती है, रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट दोस्तों होती ही नहीं है, इसलिए यहां पे नन आंसर होगा। दोस्तों एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि आपको ज्वाइन कर लेना है एट शुभम सर अंडरस्कोर टेक्स्टबुक, इसी टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों आपको मिलेगी पीडीएफ फाइल। जी हां, इसी टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी आज के लेक्चर की, और भी तमाम सारी पीडीएफ फाइल मिलेंगी। साथ में आपको दोस्तों जितने भी डाउट होंगे वो सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं मेरे साथ एट शुभम सर अंडरस्कोर टेक्स्टबुक, ठीक है। यही ग्रुप दोस्तों आपको ज्वाइन करना है टेलीग्राम पर। चलिए बढ़िया, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज, निम्न में से क्या विद्युत आवेश की विशेषता नहीं है, निम्न में से क्या चीज है जो विद्युत आवेश की विशेषता नहीं है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया योगेश जी, मानवी जी, बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू दोस्तों, इलेक्ट्रिक चार्ज चेंजेस विद द चेंज इन वेलोसिटी, ऐसा नहीं होता, जो चार्ज है वो वेलोसिटी बढ़ने से दोस्तों चेंज नहीं होता। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर टू दोस्तों, बाकी तीनों ही बिल्कुल सही है आवेश के बारे में, तीनों का बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स इज द लॉन्गेस्ट ग्रुप इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, निम्न में से दोस्तों कौन सा आवर्त आवर्त सारणी का सबसे लंबा दोस्तों समूह है, ये आपको बताना है, बताएंगे तेजी से। चलिए सही आंसर यहां पे आ गया दोस्तों, बोथ वन एंड टू बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर पहला और दूसरा सही है, सातवां और छठा दोस्तों एक बराबर है और सबसे लंबे आवर्त सारणी के समूह है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन और टू यानी बोथ फोर। चलिए आगे बढ़िए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, दाब की इकाई पूछी गई है, सभी को मालूम है बचपन से पास्कल होती है, हम सभी को मालूम है दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इज, पोटेशियम क्लोराइड का एक जलीय गुलाब जो है दोस्तों वो किसका जलीय गुलाब है, क्या ये कमजोर इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्या ये मजबूत इलेक्ट्रोलाइट होगा, क्या ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा, या फिर दोस्तों इनिशियली वीक होगा उसके बाद दोस्तों स्ट्रांग हो जाएगा। अनिल जी, तबरेज आलम जी, प्रतिभा जी, चलिए दीपिका जी, सही आंसर यहां पे आ गया है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू दोस्तों, एक मजबूत इलेक्ट्रोलाइट होगा ये। बढ़िया आगे, द टर्म सिस्टोल रिफर टू विच ह्यूमन ऑर्गन, सिस्टोल शब्द मनुष्य के किस अंग से संबंधित है, क्या किडनी से, ब्रेन से, लंग्स से, या फिर दोस्तों हार्ट से, सिस्टोल शब्द जो है ये मनुष्य के किस अंग से संबंधित है। समीर कुमार वर्मा जी, प्रशांत कुमार जी बताएंगे इसका आंसर। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है, हार्ट यानी हृदय से ही संबंधित है, बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाइए, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्योर एलिमेंट, निम्न में से कौन सा तत्व दोस्तों शुद्ध है, क्या ग्लास शुद्ध है, सीमेंट, सोडियम या फिर स्टील, इनमें से कौन दोस्तों अपनी प्योर फॉर्म में है ये बताना है आपको, अपनी प्योर फॉर्म में कौन सा है इनमें से, साफ साफ दिख रहा है हमको सोडियम ही यहां पर सही आंसर होगा, सोडियम यहां पर प्योर फॉर्म में, बाकी सारे कैसे कंपाउंड फॉर्म में दोस्तों, सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन। बढ़ जाइए तेजी से आगे बढ़ जाइए, विच लाइट इज मोस्ट इफेक्टिव इन द फोटोसिंथेसिस, प्रकाश के संश्लेषण में सबसे प्रभावी प्रकाश कौन सा होता है, नीला, पीला, हरा या लाल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सबसे प्रभावी कौन सा होता है, कौन से कलर में सबसे ज्यादा होता है प्रकाश का संश्लेषण, तो सही आंसर यहां पे हो गया ऑप्शन नंबर चार दोस्तों, रेड लाइट में ही सबसे ज्यादा होता है, बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देख लीजिए आपके सामने आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स डेफिशिएंसी कॉजेस द पेलाग्रा एंड द डर्मेटाइटिस, यानी इनमें से कौन सा विटामिन ऐसा है जिसकी वजह से पेलाग्रा और डर्मेटाइटिस दोस्तों हो जाता है, जल्दी से बताइए। चलिए सही आंसर यहां पे आ रहा है, सही आंसर आ रहा है, विटामिन बी थ्री ही दोस्तों वो है जिसकी कमी से क्या हो जाता है, पेलाग्रा और जल्द की सूजन यानी दोस्तों डर्मेटाइटिस हो जाता है। विटामिन बी वन की बात करें तो इससे दोस्तों हमें मालूम है बेरी बेरी नाम का रोग होता है, बेरी बेरी, ये हम सभी को यहां पर मालूम है। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ है, कंपोजिशन इज एन एग्जांपल टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस टू इलेक्ट्रिसिटी, यानी निम्न में से कौन सी मिश्र धातु की संरचना बिजली के प्रतिरोध को बढ़ाने का एक उदाहरण है, बिजली के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए निम्न में से किस कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं, किस मिश्र धातु का इस्तेमाल करते हैं जिससे बिजली का प्रतिरोध दोस्तों जो होता है वो बढ़ जाता है। चलिए सही आंसर, सही आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन, यानी निकिल का इस्तेमाल करते हैं, फेरस का इस्तेमाल करते हैं और क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं, इसी मिश्र धातु की वजह से दोस्तों क्या होता है, बिजली का प्रतिरोध दोस्तों बढ़ जाता है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस हैज द हाईएस्ट डेंसिटी, निम्न में से सबसे अधिक घनत्व दोस्तों किसका होगा, सबसे अधिक घनत्व किसका होगा, गोल्ड का, मरकरी का, कॉपर का या फिर आयरन का, किसका होगा सबसे अधिक घनत्व, गोल्ड, मरकरी, कॉपर या फिर आयरन। चलिए बिल्कुल सही अनिल जी, सही आंसर है। सौरव नंदन जी बिल्कुल सही आंसर है, गोल्ड दोस्तों यही सबसे अधिक घनत्व में होता है। ठीक है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़िए। टूटी लेयर्स ऑफ व्हाइट फर आर प्रेजेंट एज एन एडेप्टिव फीचर इन, यानी सफेद फर की दो मोटी परतें किस दोस्तों जानवर में होती हैं उनकी अनुकूलीय व्यवस्था के अनुसार, क्या पोलर बियर में, एक्वाटिक हार्ड में, पेंगुइन में या फिर फिश में, कहां पर दोस्तों ये सफेद फर की दो मोटी परतें पाई जाती हैं। बहुत सुंदर सही आंसर यहां पे है ऑप्शन नंबर वन, पोलर बियर इज द राइट आंसर, ध्रुवीय भालू यहां पर सही आंसर है दोस्तों। बहुत ही सुंदर, आगे बढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट, यानी निम्न में से कौन एक तत्व के रासायनिक गुण का निर्धारण करता है, निम्न में से किसके अनुसार दोस्तों किसी भी केमिकल प्रॉपर्टी को निर्धारित किया जाता है। बलवंत रोहित जी, समीर कुमार वर्मा जी, तबरेज आलम जी, दीपिका जी, देवेश कुमार जी, जिंदगी जी, अभी वर्मा जी, सभी लोग बताएंगे इसका आंसर। बहुत बढ़िया सही आंसर है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ गड़बड़ हुआ है, रासायनिक जो गुण है वो प्रोटॉनों की संख्या पर यानी एटॉमिक नंबर पर दोस्तों डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर जो होगा वो अपना ऑप्शन नंबर वन हो जाएगा। ठीक है ना, रासायनिक गुण जो है वो कौन डिसाइड करते हैं, प्रोटॉन डिसाइड करते हैं दोस्तों। ठीक है ना, प्रोटॉनों पर ही उनके सारे जो होते हैं वो रासायनिक गुण दोस्तों डिपेंड रहते हैं। चलिए आगे बढ़िए, अगला प्रश्न देखिए। व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, निम्न में से कौन सा रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव इनमें से कौन सा है, बताएं जल्दी से, क्या सल्फर है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है, सेलेनियम है। चलिए सही आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है, पोलोनियम इज द राइट आंसर, यही दोस्तों यहां पर रेडियोधर्मी है, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन। आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों। फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट वाज परफॉर्म्ड इन, पहला हृदय प्रत्यारोपण दोस्तों कहां हुआ था, पहला जो हृदय प्रत्यारोपण था वो दोस्तों कब हुआ था, ये आसान क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे बताइए तेजी से दोस्तों इसका आंसर। चलिए सही आंसर है 1967 दोस्तों, 1967 इज द राइट आंसर। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लीजिए। इफ देयर इज 1 मिलियन मैग्नीशियम आयंस इन MgCl2, हाउ मेनी क्लोराइड आयंस आर देयर, यानी अगर पूछा गया है MgCl2 में मैग्नीशियम आयन जो है वो दोस्तों 1,000,000 है तो कितने होंगे क्लोराइड आयन। चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल सही आंसर आ गया है, 2,000,000 होंगे, डबल दिखा रहा है दोस्तों यहां पर MgCl2 का, डबल यहां पर दिखा रहा है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन। आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों। दिस ट्री इज रेफर्ड टू एज द बाबुल, इनमें से किस वृक्ष को बाबुल के नाम से जाना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस वृक्ष को यहां पर दोस्तों हम लोग बाबुल के नाम से जानते हैं। चलिए रिम्पा दास जी, बिल्कुल सही आपका आंसर आ गया है, बिल्कुल सही, वेचेलिया निलोतिका, इसी को दोस्तों हम लोग क्या करते हैं बाबुल के नाम से दोस्तों जानते हैं, ऑप्शन नंबर टू इज द राइट आंसर। बढ़िया, आगे दोस्तों। पेट्रोलियम इज कन्वर्टेड इनटू अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ, यानी पेट्रोलियम से किस प्रकार विभिन्न उत्पादों को दोस्तों अलग अलग किया जाता है, ये आसान क्वेश्चन, सही से बताएंगे इसका आंसर। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही दोस्तों। चलिए 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 आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन है आंशिक आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दोस्तों राइट आंसर है। आगे बढ़िए, अगला देखिए क्वेश्चन दोस्तों। व्हाई आर द एक्सरेज यूज्ड इन द मेडिकल डायग्नोसिस, यानी चिकित्सा निदान में एक्स किरणों का उपयोग क्यों किया जाता है, एक्स किरणों की वजह से दोस्तों क्या चीज होती है, क्या करते हैं एक्स किरणों के द्वारा। सौरभ नंदन जी, चलिए बहुत बढ़िया, सही आंसर यहां पे आ गया है, बिल्कुल सही, हड्डियां एक्स किरणों को अधिक दृढ़ता से अवशोषित करती हैं, इसीलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं एक्स किरणों का प्रयोग करते हैं, सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन। बढ़िया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। विच फोर्स गवर्न्स द बाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू द न्यूक्लियस इन द न्यूट्रल एटम,
यानी कौन सा बल एक निष्पक्ष परमाणु में नाभिक को इलेक्ट्रॉनों से बंधने में नियंत्रित करता है, कौन सा वो बल होता है दोस्तों, बताइए मानवी गुप्ता जी, सिद्धि गुप्ता जी, तबरेज आलम जी, अभि वर्मा जी, सुधी जी, सभी लोग बताइए। सही आंसर है दोस्तों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज द राइट आंसर, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल सही। आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, अगला देखिए, वेयर डज द डीकंपोजर रिसीव एनर्जी फ्रॉम, यानी अपघटकों को ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, यह आसान क्वेश्चन बता दीजिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही आंसर है उत्पादकों से ही प्राप्त होती है, अपघटकों को ऊर्जा प्रोड्यूसर से ही दोस्तों प्राप्त हो जाती है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। बढ़िए आगे, विच कंपाउंड इज यूज टू क्रिएट द आर्टिफिशियल रेन, यानी कौन सी यौगिक दोस्तों ऐसे होते हैं जो कृत्रिम वर्षा के निर्माण के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, या सिल्वर आयोडाइड को, सिल्वर बेनेटेट को, सिल्वर ब्रोमाइड को, या फिर दोस्तों सिल्वर पेरेनेट को, किसको यहां पर दोस्तों हम लोग प्रयोग करते हैं कृत्रिम वर्षा के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सही आंसर है यहां पर दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड इज द राइट आंसर, सिल्वर आयोडाइड दोस्तों यहां पर बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द आईज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर रिप्रेजेंट, यानी आलू कंद की जो आंखें होती हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, द आईज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर रिप्रेजेंट क्या दोस्तों दिखाती हैं आलू कंद की आंखें। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही आंसर यहां पे है, नोड्स दोस्तों दिखाती हैं, गांठे दिखाती हैं, सही आंसर है, बहुत सुंदर। बढ़ेंगे आगे, विच टिश्यू इज प्रेजेंट इन द हार्ट, दिल में कौन सा ऊतक दोस्तों मौजूद होता है, दिल में कौन सा ऊतक मौजूद होता है, एपिथेलियल, कॉन्ट्रेक्टाइल, कनेक्टिव, या फिर दोस्तों मस्कुलर, कौन सा ऊतक होता है मौजूद दिल के अंदर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही आंसर है कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू, यानी संकुचनशील ऊतक ही दोस्तों यहां पर दिल के अंदर पाए जाते हैं, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़िए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ स्केलेटल मसल टिश्यू, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा है जो कंकालीय पेशीय ऊतक का कार्य है, इनमें से कौन सा काम जो है वो हमारा दोस्तों कंकाल तंत्र करता है, ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे तेजी से इसका आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही आंसर है दोस्तों उपरोक्त सभी, ये सारे काम करता है हमारा कंकाल तंत्र, क्या क्या, एक तो वे लंबे बिना शाखा के और बहुनाभिकीय होते हैं, वे धारीदार और अत्यधिक समवनीकृत होते हैं, और वो स्वैच्छिक भी होते हैं, ये सभी आंसर यहां पर सही है। आगे बढ़ जाइए, यीस्ट मोस्ट कॉमनली रिप्रोड्यूस हो, यानी खमीर सबसे अधिक किसके माध्यम से प्रजनन करता है या किसके माध्यम से पाया जाता है। बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ गया है, बिल्कुल सही आंसर यहां पे आप सभी का आ गया है, बडिंग के द्वारा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है, बडिंग के द्वारा ही यहां पर दोस्तों होता है, बिल्कुल सही आंसर, बहुत सुंदर। चलिए चलिए आगे बढ़ जाइए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग रिपीटर्स रिस्पॉन्ड टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, निम्न में से कौन सा ऐसा है अभिग्राहक जो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए प्रतिक्रिया देता है, क्या हाइग्रोस्पेक्टर है वो, जीरोस्पेक्टर है वो, थर्मोस्पेक्टर है, या फिर दोस्तों क्रीमोस्पेक्टर है, कौन से इनमें से ऐसा है जो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए प्रतिक्रिया दोस्तों देता है। चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही यहां पे आंसर आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट की बात करें तो जियो रिसेप्टर दोस्तों, भूग्राही यहां पर सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच मेटल इज आयरन डिप्ड व्हेन इट इज गैल्वेनाइज्ड, ये आसान क्वेश्चन आ गया है, यानी लोहे को किस धातु में डुबोया जाता है दोस्तों, ये बताइए मुझे, जब उसका गैल्वनीकरण किया जाएगा। सही आंसर दोस्तों, जिंक में, जस्ते में ही उसको डुबाया जाएगा, सही आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट देखिए, द टोटल एनर्जी ऑफ फ्रीली फेलिंग ऑब्जेक्ट, मुख्य पतन हो रही वस्तु की कुल ऊर्जा दोस्तों क्या होती है, क्या ये वस्तु नीचे आते आते इसकी ऊर्जा बढ़ेगी, ठीक है, क्या इसकी ऊर्जा घटेगी, क्या सेम रहेगी, या यह परिवर्तन वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। चलिए अभि वर्मा जी, बिल्कुल सही दोस्तों, समान रहती है वस्तु की कुल ऊर्जा जो होगी वो हमेशा दोस्तों समान रहेगी, यानी वो हमेशा दोस्तों कॉन्स्टेंट रहेगी, रिमेन सेम रहेगी, ठीक है। चलिए बढ़िए आगे दोस्तों, ओजोन का मोलर मास कितना होगा, ये इंपॉर्टेंट आ गया क्वेश्चन, ओजोन का यहां पर मोलर मास दोस्तों पूछा गया है, जो आप सभी को पता होना ही चाहिए,
चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, 48 ग्राम पर मोल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर टू, 48 ग्राम पर मोल इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों क्या कहा जाता है। बताएं मुझे तेजी से, चलिए सही आंसर यहां पे दोस्तों, सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस, बिल्कुल सही आंसर दे दिया आप सभी लोगों ने। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, लीशमेनिया के कारण दोस्तों क्या होता है, लीशमेनिया जो है क्या ये निद्रा रोग देता है, क्या ये मुहासे देगा, सांस बीमारी देगा या कालाजार देगा, लीशमेनिया के कारण दोस्तों क्या हो जाता है। बहुत बढ़िया सही आंसर है दोस्तों, कालाजार, बिल्कुल सही, कालाजार का जो कारण है वो यही है, लीशमेनिया इसी कारण होता है कालाजार। ठीक है बढ़िया, आगे अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू स्काई, ब्लू कलर ऑफ द स्काई, इनमें से कौन सी घटना आकाश के नीले रंग के लिए उत्तरदायी होती है, क्या वो परावर्तन है, क्या वो रिफ्लेक्शन है, क्या वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है, या फिर दोस्तों डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट है। सही सही आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द राइट आंसर, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही। चलिए चलिए आगे बढ़ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज हाईली पॉइजनस, ऑडरलेस, टेस्टलेस एंड द कलरलेस गैस, निम्न में से कौन सी गैस है अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन गैस है, इसका मुझे आंसर दीजिए, कौन सी गैस ऐसी है जो अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन गैस है। चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड है वो, बाकी सब में गंध होती है, बाकी सबका दोस्तों जहरीली भी होती है और बाकी सबका रंग भी होता है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई स्वाद नहीं होता, कोई दोस्तों गंध नहीं होती। ठीक है चलिए बढ़िया, आगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस, निम्न में से कौन एक शुद्ध पदार्थ है, ये आसान क्वेश्चन दोस्तों दिखाई दे रहा है, इनमें से शुद्ध की बात करें तो कोई भी नहीं है, वायु भी मिक्सचर है, शुगर सॉल्यूशन भी मिक्सचर है और दूध भी कई चीजों का मिक्सचर होता है। ठीक है तो शुद्ध इनमें से कोई सा भी नहीं है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होगी, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम सभी को मालूम है, क्लोरीन की परमाणु संख्या दोस्तों 17 हो जाती है, आप सभी को ये बात मालूम है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, बायोनोमिनियल नोमेनक्लेचर वाज फंडेड बाय, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द्विनाम पद्धति बायनोमियल नोमेनक्लेचर दोस्तों किसके द्वारा दिया गया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सवाल आपके सामने आ गया है, बायोनोमिनियल जो नोमेनक्लेचर है वो दोस्तों किसने दिया था, इसका आंसर मुझे दीजिए। बहुत सुंदर बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आ गया है, कार्ल लीनियस, कार्ल लीनियस ने ही बायोनोमियल नोमेनक्लेचर दोस्तों दे दिया था। ठीक है चलिए बढ़िया, आगे द म्यूटेशन थ्योरी वॉज प्रपोज बाय, उत्परिवर्तन सिद्धांत को किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया, क्या चार्ल्स लेल के द्वारा, विलियम स्मिथ के द्वारा, ह्यूगो डी वेरिस के द्वारा या हैरिसन स्मिथ के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों परिवर्तित किया गया था, प्रस्तावित किया गया, सॉरी। चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, ह्यूगो डी वेरिस के द्वारा ही प्रस्तावित किया गया था। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर, बल्ब इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ विच पार्ट ऑफ प्लांट, यानी जो कंद है वो पेड़ के किस हिस्से का दोस्तों विकसित रूप है, बल्ब जो है वो पेड़ के किस हिस्से का विकसित रूप है दोस्तों, समेश जी, विहान पुणे जी, रमेश कुमार जी, रिम्पा दास जी, दीपिका शर्मा जी। चलिए 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 सही आंसर है यहां पर दोस्तों, स्टेम यानी तने का ही दोस्तों परिवर्तित रूप है, तने का ही एक विकसित रूप है हमारा कंद पेड़। ठीक है बढ़िया, आगे विच एलिमेंट इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का सबसे अधिक अच्छा सुचालक कौन सा होता है, ये मैंने आपको कई बार बताया भी है कि चांदी जो है, सिल्वर जो है, ये दोस्तों क्या होती है हमारे विद्युत की, इलेक्ट्रिसिटी की सबसे अच्छी सुचालक होती है, लेकिन फिर भी इसका प्रयोग नहीं करते, उसका रीजन ये है कि महंगी बहुत होती है, इसीलिए इसकी जगह हम लोग तांबे का प्रयोग करते हैं, यानी कॉपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है चलिए आगे बढ़ जाइए, सिलेक्ट द सेल टाइप विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ द जाइलम टिश्यू, इनमें से कौन ऐसा है जो जाइलम टिश्यू का दोस्तों भाग नहीं होता, जाइलम टिश्यू का इनमें से कौन ऐसा है जो भाग नहीं होता, क्या वो ट्रकाइड है, जाइलम फाइबर है, जाइलम पैरेन्काइमा है या फिर सीप ट्यूब है, कौन में से ऐसा है जो जाइलम टिश्यू का दोस्तों भाग नहीं है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर, सीप ट्यूब्स, बिल्कुल सही आंसर है।
सीएफटी उस बिल्कुल सही आंसर है जो हमारे दोस्तों किसका पार्ट नहीं है, जाइलम ट्री का पार्ट नहीं है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्रेफाइट इज यूज्ड इन पेंसिल बिकॉज, यानी ग्रेफाइट का इस्तेमाल दोस्तों कब, क्यों, कैसे पेंसिल में किया जाता है? क्या आई कैन मार्क ऑन पेपर, क्या मार्क आती है पेपर पर, क्या इट इज इलेक्ट्रोफ कार्बन, इट इज चीपर या सॉफ्ट और ब्रिटाइल, किस लिए ग्रेफाइट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं पेंसिल्स में? बहुत सुंदर दोस्तों, सॉफ्ट एंड ब्रिटेल दोस्तों, क्योंकि ये सॉफ्ट भी है और ब्रिटेल भी है, जल्दी टूट जाती है, यानी इसके द्वारा दोस्तों डरने की बात नहीं है, ये आराम से टूट जाती है और हम लोग लिख पाते हैं। सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ जाइए, नेचर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट द मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन गैस विल बी, यानी जो नाइट्रोजन में बॉन्ड पाए जाते हैं वो दोस्तों किस प्रकार के होते हैं? फन क्वेश्चन है ये, जल्दी से बताइए। बहुत ही बढ़िया, ट्रिपल कोवेलेंट दोस्तों राइट आंसर, ट्रिपल कोवेलेंट ही दोस्तों बॉन्ड होते हैं। बहुत ही सुंदर ऑप्शन नंबर 4। बढ़ जाइए आगे बढ़ जाइए दोस्तों। अगला देखिए, आर शार्प सीजर शेप टीथ यूज्ड फॉर बीटिंग एंड द कटिंग फूड, प्रीमोलर्स, मोलर्स, कैनर्स और इंसीजर, इनमें से कौन से ऐसे होते हैं शार्प होते हैं और सीजर शेप्ड होते हैं जिनसे दोस्तों हम लोग बीटिंग और कटिंग करते हैं फूड का? गिरीश शर्मा जी बिल्कुल बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, इंसीजर ही होते हैं वो दोस्तों जिनका इस्तेमाल हम लोग ऐसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द डीडीटी, यानी डीडीटी का रासायनिक नाम दोस्तों क्या होगा? क्या डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, या डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइब्रोमोइथेन, या डाइइथाइल डाइक्लोरो ट्राइक्लोरोइथेन, या फिर डाइफिनाइल डाई रोमो मोट्रिक्लोनोइथेन? दोस्तों बताइए मुझे इसका आंसर, डाइफिनाइल डाइब्रोमो या ट्राइक्लोरोइथेन, दोस्तों इनमें से कौन सा आंसर सही होगा? चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 यहां पर सही है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, यही डीडीटी का फुल फॉर्म होता है, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ वाटर, यानी पानी का पीएच मान दोस्तों क्या होता है? 0, 7 या 7 से ज्यादा 7 से कम, पानी का यहां पर पीएच मान पूछा गया है। बहुत बढ़िया सही आंसर है दोस्तों, 7 होता है, यानी न्यूट्रल होता है पानी। पानी कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, ना ये एसिड होगा ना ये बेस होगा, ये कैसा होगा? ये न्यूट्रल हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन पर दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज एन एग्जांपल ऑफ द कोवेलेंट कंपाउंड, निम्न में से कौन सा एक पदार्थ है जो सहसंयोजक यौगिकों से बनने वाले यौगिक का उदाहरण है? रिम्पा दास जी, अर्चना कुमारी जी, अनिल जी, संग्राम जी। बहुत बढ़िया हीरा दोस्तों है ऐसा जो सहसंयोजक यौगिक के उदाहरण को पेश करता है। ठीक है, चलिए बिल्कुल सही, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज अ सपोर्टर ऑफ द कंबस्टन, निम्न में से कौन सी गैस दोस्तों दहन का समर्थन करती है, यानी दहन किसकी किसकी उपस्थिति में हो सकता है? यह आसान क्वेश्चन आप सभी को मालूम होगा, अपनी ऑक्सीजन ही ऐसी है जिसकी उपस्थिति में दोस्तों दहन किया जा सकता है, तो ऑप्शन नंबर यहां पर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी 3 सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला देखिए, नाइफ इज एग्जांपल ऑफ चाकू, दोस्तों इनमें से किसका एग्जांपल है? चाकू क्या लिवर है या फिर दोस्तों क्या चीज होती है चाकू? चाकू यहां पर क्या चीज होती है ये बता दीजिए, तेजी से बताइए। बहुत ही सुंदर दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आ गया है। चलिए बिल्कुल सही यहां पे आंसर आ गया है, बहुत ही बढ़िया। चलिए देखते हैं सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर यहां पर दोस्तों, चाकू जो है वो एक प्रकार का बैज है, ये भी आप लोग याद कर लीजिए, एक प्रकार का बैज दोस्तों होता है चाकू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन टू बी द फर्स्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ग्लास, यानी किस देश को कांच का पहला निर्माता यहां पर दोस्तों माना जाता है? कांच का निर्माता सबसे पहली बार दोस्तों किसने कर दिया था, ये मुझे आप लोग बताइए तेजी से। बहुत ही बढ़िया सही आंसर यहां पर आ गया है, मिस्र ने ही दोस्तों सबसे पहले किया था यहां पर इसका उपयोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन देखिए, अधिकांश कांच प्रकृति में कैसे होते हैं, अधिकांश जो कांच होते हैं ये प्रकृति में दोस्तों किस प्रकार से बिहेव करते हैं? क्या ये तन्य होते हैं, ब्रिटल होते हैं, मैलिएबल होते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव?
बहुत सुंदर बहुत सुंदर, सही आंसर है यहाँ पर दोस्तों, ब्रिटेन इज द राइट आंसर, बहुत सुंदर, ऑप्शन नंबर टू यहाँ पर सही होगा। आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ग्लासेस कैन कट ऑफ द यूवी रेस, निम्न में से कौन सा कांच यूवी किरणों को काट सकता है, यानी यूवी किरणों को दोस्तों वो काट सकता है। यूवी किरणों को दोस्तों यहां पर कौन सा काटेगा ये मुझे आप लोग बताइए। तेजी से बताइए इसका आंसर। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया, सही आंसर यहां पे आ रहा है। चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही यहां पे आंसर आ गया है आप सभी का, यहां पर दोस्तों बिल्कुल सही आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। अगर हम बात करें यूवी किरणों को तो जो क्रूड ग्लास होता है दोस्तों, क्रूड जो ग्लास होता है यही दोस्तों यूवी किरणों को काट सकता है, यूवी रेस को यहां पर ये कट ऑफ कर सकता है, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ जाइए दोस्तों। अगले बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं दोस्तों कि यहां पर आपको ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है @shubhamsir_testbook। इसी ग्रुप पर दोस्तों आपको मिलेगी पूरी पीडीएफ फाइल जो आज के लेक्चर की है, इसी ग्रुप पर दोस्तों मिलेगी। तो सर्च कीजिए @shubhamsir_testbook और इसको दोस्तों यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए, यही पर आपके सारे डाउट भी मैं सॉल्व करूंगा और दोस्तों आप सीधे मुझसे यहाँ पर इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हु गेव द प्लम पुडिंग मॉडल ऑफ एन एटम, परमाणुओं के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, परमाणुओं का प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था, क्या जे जे थॉमसन ने, रदरफोर्ड ने, बोर ने या फिर दोस्तों आइंस्टीन ने, किसने यहां पर प्लम पुडिंग मॉडल दिया दोस्तों परमाणु का, सही आंसर यहां पर आ गया है, बहुत बढ़िया, जे जे थॉमसन ही दोस्तों यहां पर सही आंसर है। आगे बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन दोस्तों। विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, निम्न में से किसको सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के रूप में जाना जाता है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसकी होती है। चलिए सही आंसर यहां पर आ गया है, सही आंसर यहां पर आ गया, फ्लोरीन इज द राइट आंसर दोस्तों, बहुत सुंदर। आगे बढ़िए अगला क्वेश्चन देखिए, फ्लक्स का उपयोग दोस्तों किसमें किया जाता है, क्या सिलिका को हटाने के लिए, क्या सिलिका और अवांछनीय धातु ऑक्साइड को हटाने के लिए, या रिमूव ऑल इंप्योरिटीज फ्रॉम द ओर्स को हटाने के लिए, किसके लिए दोस्तों फ्लक्स का उपयोग यहां पर किया जाता है। बहुत ही बढ़िया बहुत बड़े सही आंसर है, रिमूव सिलिका इन द अनडिजायरेबल मेटल ऑक्साइड, बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन नंबर टू। आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट मैलिएबल मेटल, सबसे अधिक लचीली वस्तु क्या होती है, हम सभी को मालूम है, हजारों बार पढ़ चुके हैं, सोना यानी गोल्ड इज द राइट आंसर, यहां पर जो सोना है वही दोस्तों क्या है सबसे अधिक लचीली वस्तु है। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नैनो का अर्थ दोस्तों यहां पर क्या होता है, नैनो का अर्थ यहां पर पूछा गया है, नैनो का अर्थ मुझे बताइए क्या होगा, नैनो का अर्थ दोस्तों यहां पर क्या होगा। चलिए चलिए सही आंसर यहां पे आ गया है, नैनो का मतलब 10^-9, सभी को मालूम है नैनो का मतलब 10^-9 दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए आगे बढ़िए, द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू द आरएनए इज नोन एज, यानी आरएनए में डीएनए के एक तंतु से आनुवंशिक जानकारी को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बताएं जल्दी से, आरएनए में डीएनए के तंतु से कॉपी करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है। सही दोस्तों बिल्कुल सही, ट्रांसक्रिप्शन इज द राइट आंसर, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, बिल्कुल सही आंसर है ट्रांसक्रिप्शन, बहुत सुंदर। चलिए 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 बढ़िए आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड इंसुलेटर, निम्न में से कौन सा एक अच्छा विद्युत रोधी है, कौन अच्छा कुचालक होगा दोस्तों इसमें से, मरकरी, कैडमियम, जर्मेनियम या फिर शीशा। बहुत सुंदर सही आंसर यहां पे आ गया है, सही आंसर है दोस्तों वो शीशा है, ग्लास है, जो कि दोस्तों कैसा है, अच्छा विद्युत रोधी है। आगे बढ़ जाइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एटम बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, एटम बम जो था वो दोस्तों किस प्रिंसिपल पर काम करता था, या एटम बॉम्ब जो है वो किस प्रिंसिपल पर दोस्तों काम करते हैं पूछा गया है, बताएं मुझे तेजी से। बहुत ही बढ़िया सही आंसर आ रहा है। चलिए चलिए दोस्तों सही आंसर यहां पे आ रहा है सभी का,
बहुत ही बढ़िया, चलिए बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ गया है, अनियंत्रित परमाणु विखंडन, अनकंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन पर ही दोस्तों बेस होता है। तो यहां पर दोस्तों एटम बॉम्ब के बारे में बता दूं कि इसको इन्वेंट करने के मामले में रॉबर्ट ओपेनहाइमर का नाम दोस्तों आता है, और यही सही आंसर है, रॉबर्ट ओपेनहाइमर, ये आप लोग याद करिए, बहुत जगह कंफ्यूजन है, ठीक है। रॉबर्ट ओपेनहाइमर, इन्होंने ही दोस्तों सबसे पहले यहां पर इन्वेंट किया था परमाणु बम को, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के रूप में किसको जानते हैं, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के रूप में किसको जानते हैं, एंटोनी लेवेसियर को, फ्रेडरिक वुलर को, या फिर वर्नर को। चलिए सही आंसर यहां पे आ गया है, बिल्कुल सही आंसर है, एंटोनी लेवोसियर, इन्होंने ही दोस्तों आधुनिक रसायन विज्ञान के बारे में काम किया, इनको जानते हैं फादर के रूप में। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ बॉडी इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विद वेरिएबल स्पीड इट हैज, यानी जब कोई वस्तु परिवर्तनीय गति के साथ एक गोलाकार पथ में गतिमान है तो ये कौन सा दोस्तों गति कर रही है, क्या ये रेडियल एक्सीलरेशन कर रही है, क्या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कर रही है, जीरो एक्सेलरेशन इसमें होगा, या फिर दोस्तों मोस्ट बोथ रेडियल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दोस्तों होगा, किस कार्य को कर रही है ये। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सही आंसर यहां पे आ गया है, सही आंसर यहां पे आ गया है, बोथ रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार। आगे बढ़िए, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, निम्न में से किस तत्व का गलनांक सबसे कम होता है, किस तत्व का गलनांक सबसे कम होता है, बोरॉन का, कैल्शियम का, नियॉन का, या फिर दोस्तों गोल्ड का। चलिए शोभित श्रीवास्तव जी, संजू जी, सही आंसर यहां पे आ गया है, सबसे कम गलनांक इसमें देखा जाएगा तो नियॉन का ही दोस्तों सबसे कम गलनांक यहां पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, यानी त्वचा की बाहरी परत कौन सी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, त्वचा की बाहरी परत इसमें से कौन सी होगी, क्या वो एपिडर्मिस है, सबकटिस है, डर्मिस है, या फिर दोस्तों हाइपोडर्मिस है, क्या चीज है वो जो त्वचा की बाहरी परत होगी। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, आगे बढ़ जाइए, सही आंसर है एपिडर्मिस दोस्तों, बिल्कुल सही, आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लीजिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, दोस्तों निम्न में से किस तत्व का गलनांक सबसे कम होगा, गलनांक सबसे कम होगा दोस्तों, ये बताइए मुझे तेजी से बताइए, किसका गलनांक यहां पर दोस्तों सबसे कम हो गया है। बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहा है, चलिए 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 दोस्तों, बिल्कुल सही, सही आंसर यहां पे आ गया है, फ्लोरीन इज द राइट आंसर, इसी का गलनांक कैसा होगा, सबसे कम होगा दोस्तों। आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इमिटेड फ्रॉम द ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट इज पॉइजनस, यानी वाहनों की निकास नली से निकलने वाली कौन सी गैसों में दोस्तों ऐसी है जो जहरीली होती है, सबसे ज्यादा जहरीली इनमें से कौन सी गैस होती है, ये पूछा गया है, बताएंगे तेजी से सभी लोग। बहुत ही बढ़िया, सही आंसर यहां पे आ रहा है, सही आंसर यहां पे आ रहा है, सही आंसर है कार्बन मोनोऑक्साइड दोस्तों, यही सबसे ज्यादा दोस्तों जहरीली गैस होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजुअली नॉट एन एयर प्रॉपेलेंट, किसमें आमतौर पर वायु प्रदूषण नहीं होता, किससे आमतौर पर वायु प्रदूषण नहीं होता। चलिए चलिए चलिए, सही आंसर यहां पे आ गया है, बिल्कुल सही है, नाइट्रस ऑक्साइड, इसी से दोस्तों क्या होता है, आमतौर पर वायु प्रदूषण नहीं होता। आगे बढ़े, द एलिमेंट यूज फॉर मेकिंग सोलर सेल इज, सौर सेल के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग करते हैं, सौर सेल के निर्माण में किस तत्व का प्रयोग करते हैं, बताएं। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल सही दोस्तों, सही आंसर यहां पे आ गया है, सिलिकॉन का ही हम लोग प्रयोग करते हैं सोलर सेल में, सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चारकोल इज यूज इन वाटर ट्रीटमेंट एज, यानी जल के उपचार में, जल के ट्रीटमेंट में कोयले का उपयोग दोस्तों किस रूप में होता है, कोयला क्या करता है दोस्तों।
चलिए सही आंसर यहां पे आ गया है। कोयले की बात करेंगे तो ये दोस्तों इनमें से कोई भी कार्य नहीं करता, कोयले का कार्य दोस्तों इस तरह का कोई भी नहीं होता, और उसका प्रयोग दोस्तों वाटर ट्रीटमेंट में हम लोग नहीं करते हैं जनरली, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए। क्रोमाइट इज द ओर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, क्रोमाइट जो है दोस्तों वो किस तत्व का अयस्क होता है, क्रोमाइट इनमें से किस तत्व का अयस्क है, क्रोमियम का, एल्यूमिनियम का, टाइटेनियम का, या फिर जिंक का, क्रोमाइट किसका अयस्क होता है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही आंसर है यहां पर, सही आंसर यहां पर दे दिया है, क्रोमियम का ही दोस्तों अयस्क होता है हमारा क्रोमाइट, बिल्कुल सही। आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। रेडियो एक्टिव एलिमेंट दोस्तों क्या करते हैं उत्सर्जित, जो रेडियो धर्मी तत्व होते हैं ये क्या उत्सर्जित करते हैं, क्या ये रेडियो तरंगे निकालते हैं, इंफ्रारेड निकालते हैं, या दोस्तों ये क्या निकालते हैं, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चलिए चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन ही दोस्तों निकालते हैं, सही आंसर है रेडियो धर्मी तत्व, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर चार। आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट देखिए दोस्तों। विच ऑफ दीज इज द साइंटिफिक फाइबर, सिंथेटिक फाइबर दोस्तों, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो सिंथेटिक फाइबर है, निम्न में से कौन सा ऐसा है जो सिंथेटिक फाइबर है दोस्तों, क्या ये पटसन है, फ्लैक्स है, रेयॉन है, या फिर सिल्क है। शर्मिष्ठा गांगुली जी, तबरेज आलम जी, नवीन शर्मा जी, दिवाकर जी, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। रेयॉन दोस्तों ऐसा है जो सिंथेटिक फाइबर है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन, बाकी इनमें से कोई भी सिंथेटिक फाइबर दोस्तों नहीं है। आगे देखिए दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस प्रेजेंट इन द हार्ड वाटर, खारे पानी में कौन से आयन प्रेजेंट होते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खारे पानी में इनमें से कौन से आयन दोस्तों होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं, ये जल्दी से इसका आंसर देंगे सभी लोग, खारे पानी में इनमें से कौन से प्रेजेंट दोस्तों होते हैं। चलिए सही आंसर यहां पे आ रहा है सभी का, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ गया है, कैल्शियम और मैग्नीशियम इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द साइंटिफिक नेम अनस्कॉमस, यानी निम्न में से कौन दोस्तों ऐसा है जो अनस्कॉमस का वैज्ञानिक नाम है, अनानास कॉमस का दोस्तों वैज्ञानिक नाम इनमें से कौन सा होगा, शरीफा, पाइनएप्पल, बैंबू, या प्रोमेगनेट, किसका दोस्तों वैज्ञानिक नाम जो है वो अनानास कॉमोसस है। चलिए सही आंसर दोस्तों, पाइनएप्पल यानी अनानास का ही जो वैज्ञानिक नाम है वो अनानास कॉमोसस है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर टू। बढ़िया आगे दोस्तों, विच ड्रग इज यूज्ड एज एन एंटी एनेक्सेटिव ड्रग, किस दवा का उपयोग चिंता निवारक दवा के रूप में होता है, किस दवा का उपयोग दोस्तों चिंता निवारक दवा के रूप में करा जाता है, क्या वो वर्फिन है, डाइजेपाम है, लेटनोप्रोस्ट है, या फिर दोस्तों हाइड्रोलाजाइन है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही आंसर यहां पर है दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ गया है, डाइजेपाम यहां पर बिल्कुल सही आंसर है, डाइजेपाम का ही प्रयोग दोस्तों चिंता निवारक के रूप में किया जाता है। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए दोस्तों। एटॉमिक नंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ कॉपर, निम्न में से किस तत्व का परमाणु क्रमांक कॉपर से अधिक होता है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक निम्न में से ऐसा है जो कॉपर से दोस्तों अधिक होगा, आयरन का, क्रोमियम का, जिंक का, या फिर मैग्नीज का, किसका परमाणु क्रमांक कॉपर से दोस्तों अधिक होगा। चलिए सही आंसर यहां पे आ गया है, बिल्कुल सही दोस्तों, जिंक का ही जो है वो दोस्तों परमाणु क्रमांक जो होगा वो कॉपर से ज्यादा होगा, सही आंसर है ऑप्शन नंबर तीन दोस्तों, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ यूरिया इज फाउंड इन, यूरिया का सबसे अधिक संकेंद्रण कहां पाया जाएगा, क्या डोर्सल ओट्रा में, हेपेटिक वेन में, रेनल वेन में, या फिर हेपेटिक पोर्टल वेन में, कहां पर यूरिया का दोस्तों सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन पाया जाएगा। नवीन शर्मा जी, अनिल जी, महेंद्र जी, अंजलि कुमारी जी, बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन, सही आंसर यहां पर है यकृत शिरा, हेपेटिक वेन दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर यहां पे हो गया है, बहुत ही सुंदर आंसर है ऑप्शन नंबर दो। चलिए 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 आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। एन एसिड हैविंग द बेस एसिडिटी वन इन, निम्न में से किस अम्ल की क्षारकता दोस्तों एक होगी, निम्न में से किस अम्ल की क्षारकता दोस्तों एक है, क्या डाइसोडियम हाइड्रोजन फास्फेट की, सोडियम फास्फेट की, फास्फोरिक एसिड की, या सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट की, किसकी दोस्तों क्षारकता यहां पर एक होगी।
बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही आंसर यहां पे आ गया है ऑप्शन नंबर वन, डाइसोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसी की दोस्तों क्या होगी चालकता एक हो जाएगी, सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन। आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इन एक्वा सॉल्यूशन, निम्न में से कौन सा विकल्प जलीय घोल में सबसे मजबूत क्षार है दोस्तों, जलीय घोल में सबसे मजबूत क्षार के रूप में इनमें कौन सा होता है। बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया दोस्तों आंसर आ रहा है, चलिए 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 सही आंसर यहां पर है डाइथाइलमीन, बिल्कुल सही आंसर है डाइथाइलमीन दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर यहां पे हो जाएगा, बहुत ही सुंदर। चलिए बढ़िया आगे दोस्तों, एंटोमोलॉजी इज द साइंस दैट स्टडीज, एंटोमोलॉजी दोस्तों किसका अध्ययन करता है, क्या कीड़ों का, क्या फॉर्मेशन ऑफ रॉक्स का, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स का, या नन ऑफ द अबव, किसका दोस्तों अध्ययन करता है एंटोमोलॉजी में। सुंदर दोस्तों बहुत ही बढ़िया सही आंसर है, कीड़ों का ही दोस्तों अध्ययन करते हैं हम लोग एंटोमोलॉजी में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विच बैक्टीरिया कॉजेस द निमोनिया, निमोनिया यहां पर किस जीवाणु की वजह से होता है, निमोनिया जो है वो दोस्तों किस जीवाणु की वजह से होगा, जल्दी से बताएं मुझे आसान क्वेश्चन, निमोनिया किस जीवाणु की वजह से होगा। चलिए चलिए सही आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, यही है वो जिसकी वजह से निमोनिया होता है, सही आंसर ऑप्शन नंबर तीन। आगे बढ़ेंगे, अगला देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स हैज लीस्ट मेल्टिंग पॉइंट, निम्न में से किस धातु का गलन बिंदु न्यूनतम है दोस्तों, गलन बिंदु न्यूनतम किसका होगा, सोना चांदी मरकरी या फिर कॉपर, किसका गलन बिंदु दोस्तों न्यूनतम होगा। बहुत ही बढ़िया बिल्कुल सही यहां पे आंसर है दोस्तों, मरकरी का ही गलन बिंदु जो है वो बिल्कुल न्यूनतम होगा, थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। मनीष कुमार जी आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट, निम्न में से किसमें दोस्तों यहां पर फॉर्मिक एसिड होता है, किसमें यहां पर दोस्तों फॉर्मिक एसिड होगा ये बताइए मुझे। बहुत ही बढ़िया सही आंसर यहां पे आ रहा है, सभी लोग बताइए फॉर्मिक एसिड यहां पर क्या होगा। चलिए चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, बहुत ही बढ़िया सही आंसर है, लाल चींटियों में ही फॉर्मिक एसिड होता है, दही में हम सभी को मालूम है लैक्टिक एसिड होता है, ठीक है। टमाटर की बात करें तो इसमें तो 10 प्रकार के एसिड होते हैं, जिसमें मुख्य मुख्य जो है वो ऑक्सैलिक एसिड है हमारा, ठीक है, ऑक्सैलिक इसमें एसिड होता है, इसमें सिट्रिक एसिड भी होता है, इस प्रकार के दोस्तों मैलिक एसिड भी यहां पर पाया जाता है, ठीक है, इस प्रकार के दोस्तों एसिड होते हैं, 10 एसिड यहां पर पाए जाते हैं। और इमली की बात करें तो इसमें दोस्तों टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, ये सभी को मालूम है टार्ट्रिक एसिड दोस्तों यहां पर जो है वो पाया जाता है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, विच टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर इज यूज फॉर पेट्रोलियम फायर, पेट्रोलियम आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है ये बताइए। पेट्रोलियम से लगने वाली आग, जो पेट्रोलियम के द्वारा लगती है आग, उसको बुझाने के लिए किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाएगा। बहुत बेहतरीन दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है, फोम टाइप के प्रकार का ही उपयोग किया जाता है, फोम प्रकार का ही उपयोग दोस्तों हम करेंगे पेट्रोलियम से लगने वाली आग को बुझाने के लिए। बढ़िया आगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फोटोसिंथेसिस अकर्स मोर रैपिडली इन, यानी प्रकाश का संश्लेषण सबसे अधिक तीव्र गति से किसमें होगा। बहुत सुंदर बिल्कुल सही यहां पर सही आंसर है, लाल प्रकाश, ये सही आंसर है दोस्तों, हम लोग इसको देख चुके थे एक बार पहले भी, रेड लाइट में ही फोटोसिंथेसिस सबसे अधिक प्रकार से होगा। बढ़िए आगे दोस्तों, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेलेस्टियल बॉडीज, यानी खगोलीय पिंडों के बीच लंबी दूरी को देखने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं। यह आंसर आसान है दोस्तों, हम सभी को इसका आंसर मालूम होना चाहिए। रिया दुबे जी, व्याहन पुणे जी, राज भगत जी, संजीव जी, अनिल जी, सौरभ जी, नेहा कुमारी जी, व्याहन पुणे जी, किरण जी, चलिए सभी को इसका आंसर मालूम है, हम सभी को मालूम है प्रकाश वर्ष दोस्तों 9.46 इंटू 10^10 कितना 15 मीटर दोस्तों, इतनी डिस्टेंस होती है किसमें, एक प्रकाश वर्ष में दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिप्रोडक्टिव सेल, निम्न में से कौन सी ऐसी है जो प्रजनन कोशिका है, क्या वो लिम्फोसाइट है, जीमेट है, आरबीसी है या फिर डब्ल्यूबीसी,
कौन इनमें से ऐसा है दोस्तों जो एक प्रजनन कोशिका है, रिप्रोडक्टिव सेल है, लिम्फोसाइट है, वो जीमेट है, आरबीसी है या फिर वो डब्ल्यूबीसी है दोस्तों? चलिए सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर यहां पे हो गया है, जीमेट इज द राइट आंसर दोस्तों। युग्मक यहां पर जीमेट जो है वो बिल्कुल सही आंसर है, बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इनटू एयर, निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से किसमें ऑक्सीजन हवा में छोड़ी जाती है, इनमें से कौन सी वो क्रिया है दोस्तों जिसमें दोस्तों ऑक्सीजन जो है वो हवा में छोड़ी जाती है? विकी जी बताइए, जल्दी से पूछिए क्या पूछने जा रहे हैं विकी जी। चलिए सही आंसर दोस्तों, प्रकाश का संश्लेषण यहां पर सही होगा, फोटोसिंथेसिस में ही ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। ब्रायोफाइट आर आल्सो कॉल्ड ऑफ द प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइट को पौधे जगत का दोस्तों क्या कहा जाता है, क्या पौधों की जगत का? इसको मैमल्स कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं, सरीसृप कहते हैं, फिर कीटनाशक कहते हैं, ब्रायोफाइट्स को पौधों के जगत का हम लोग क्या कहते हैं? चलिए चलिए, बिल्कुल सही आंसर यहां पे है दोस्तों, उभयचर कहते हैं, एम्फीबियन कहते हैं ब्रायोफाइट्स को, पौधों के जगत का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ मेनी एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द 18 ग्रुप ऑफ द पीरियड टेबल, आवधिक सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व दोस्तों मौजूद हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन अभी आ गया है, आवधिक सारणी के 18वें समूह में कितने तत्व दोस्तों मौजूद होते हैं? नामिका मिश्रा जी बताएंगे इसका आंसर। चलिए सही आंसर यहां पर है, 7 इज द राइट आंसर, 7 यहां पर दोस्तों बिल्कुल सही आंसर यहां पे हो गया है, बहुत ही सुंदर। आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट प्रेजेंट इन द कॉलीफ्लावर, फूलगोभी में निम्न में से कौन सा विटामिन दोस्तों मौजूद नहीं होता, फूलगोभी में निम्न में से कौन से विटामिन दोस्तों मौजूद नहीं होते, क्या विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के या फिर विटामिन ए, कौन से विटामिन यहां पर दोस्तों मौजूद नहीं होते फूलगोभी में? चलिए सही आंसर, सही आंसर यहां पे आ गया दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है, विटामिन ए यहां पर मौजूद दोस्तों बिल्कुल नहीं होता है, सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए दोस्तों। अमंग द फॉलोइंग द डिजीज स्प्रेड बाय द हाउस फ्लाई आर, यानी घर की मक्खियों द्वारा फैलने वाली बीमारियों का समूह पहचानना है आपको, इनमें से कौन सी बीमारियां ऐसी हैं जो घर की मक्खियों द्वारा फैलाई जाती हैं? पहचान के मुझे बताइए कौन सी बीमारियों को घर में पाई जाने वाली मक्खियों के द्वारा फैलाया जाएगा। चलिए 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 सही आंसर यहां पर, बिल्कुल सही दोस्तों, टाइफाइड और डेसेंट्री, बिल्कुल सही, टाइफाइड और पेचिस दोस्तों ऐसी ही होती हैं। वैसे दोस्तों हैजा भी यहां पर आएगा, बट हैजा यहां पर ऑप्शन में नहीं है, यहां पर रेबीज दोस्तों गलत ऑप्शन है, ठीक है, यहां पर डायरिया गलत ऑप्शन है, और यहां पर दोस्तों जो है वो रिंग वॉर्म जो है ये गलत ऑप्शन है, ये सभी दोस्तों जो स्कर्वी है ये भी दोस्तों यहां पर गलत ऑप्शन है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही होगा। हालांकि हैजा भी दोस्तों जो है वो घर की मक्खियों द्वारा ही फैलाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टिंडल इफेक्ट, निम्न में से कौन दोस्तों टिंडल इफेक्ट को शो करता है, ये बताइए मुझे, टिंडल इफेक्ट को कौन शो करता है? शोभित जी, दिव्या तिवारी जी, सभी लोग बताएंगे, अनामिका कुमारी जी, जानवी जी, विकी जी पूछिए आप क्या पूछने जा रहे थे। चलिए चलिए बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, टिंडल इफेक्ट की बात करें तो उसको दिखाने वाला दोस्तों यहां पर मिल्क ही होगा, मिल्क ही टिंडल इफेक्ट को दिखाएगा, शो करेगा। बढ़िया, आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लास कंसिस्ट ऑफ द सीजियम ऑक्साइड, निम्न में से किस कांच में दोस्तों सीजियम ऑक्साइड होता है, किस कांच में सीजियम ऑक्साइड पाया जाएगा? आसान क्वेश्चन है, किस कांच में सीजियम ऑक्साइड पाया जाएगा बताइए जल्दी से। चलिए सही आंसर की ओर बढ़ रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, क्रुक्स कांच, क्रुक्स ग्लास बिल्कुल सही आंसर होगा, बहुत ही सुंदर। आगे बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। विच अमंग दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मसल मूवमेंट, मांसपेशी की गतिविधि के लिए इनमें से दोस्तों कौन जिम्मेदार है, क्या मोटर न्यूरॉन जिम्मेदार है, राइ न्यूरॉन जिम्मेदार है, रिसेप्टर जिम्मेदार है या ऑटोनोमिक नर्व जिम्मेदार है, कौन इनमें से दोस्तों जिम्मेदार है मांसपेशियों की गति के लिए? व्यानपुने जी, सोनी शर्मा जी, नॉलेज डायरी जी, महेंद्र सैनी जी। चलिए सही आंसर यहां पर आ गया है, बिल्कुल सही आंसर यहां पे दोस्तों, प्रेरक तंत्र का कुछ गए नहीं, मोटर न्यूरॉन यही दोस्तों मांसपेशियों की गतिविधि के लिए जिम्मेदार है।
आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ दीज प्लांट्स हैज मल्टी कलर्ड लीव्स, निम्न में से किस पौधे में बहुरंगी पत्तियां होती हैं? क्या जैस्मिन में, अड़हुल में, तुलसी में या फिर क्रोटन में? किस में दोस्तों बहुरंगी पत्तियां पाई जाती हैं? शर्मिष्ठा गांगुली जी, दिवाकर जी, अनिल जी, रवि कुमार जी, सभी लोग बताएं। चलिए गिरीश शर्मा जी, बिल्कुल सही आंसर यहां पे है, क्रोटोन दोस्तों सही आंसर है, क्रोटोन में ही रंगीन पत्तियां पाई जाती हैं। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए दोस्तों, गैसो होल इज अ मिक्सचर ऑफ, गैसोहोल जो है ये दोस्तों किसका मिक्सचर होता है? गैसोलीन और मीथेनॉल का, गैसोलीन और इथेनॉल का, गैसोलीन और प्रोपेनॉल का, या मीथेनॉल और इथेनॉल का, किसका होता है मिश्रण दोस्तों ये गैसोहोल? चलिए चलिए चलिए, बिल्कुल सही दोस्तों, गैसोलीन और इथेनॉल सही होगा आपसे अपना आंसर नंबर ऑप्शन नंबर दो ही दोस्तों यहां पर सही हो जाएगा। बिल्कुल सही, आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट देखिएगा, ड्यूरिंग सेल डिवीजन डीएनए सिंथेसिस टेक प्लेस इन, कोशिका विभाजन के दौरान डीएनए संश्लेषण दोस्तों किस अवस्था में होता है? क्या डीएनए संश्लेषण इंटरफेज में होता है, एनाफेज में होता है, प्रोफेज में होता है, या फिर दोस्तों टेलोफेज में होता है? किस में दोस्तों डीएनए संश्लेषण होता है ये मुझे बता दीजिए आप लोग। बहुत ही बढ़िया, सही आंसर यहां पर आया है इंटरफेज दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर यहां पर आ गया है। मनोहर कुमार जी, गिरीश शर्मा जी, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर वन। बढ़िए दोस्तों, आगे बढ़िए। कॉलर बोन इज नोन एज, कॉलर की हड्डी को दोस्तों किस नाम से जाना जाता है? कॉलर बोन को, यानी कॉलर की हड्डी को किस नाम से हम लोग जानते हैं? स्केपुला के नाम से, कोरिकाइड के नाम से, पेटिला के नाम से, या फिर दोस्तों क्लेविकल के नाम से? किस नाम से कॉलर की हड्डी को दोस्तों नाना जाता है या जाना जाता है? चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है क्लेविकल, यानी सही आंसर है क्लेविकल दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है क्लेविकल। बढ़िए दोस्तों, आगे बढ़िए। मीथेन के लिए सूत्र क्या होगा? मीथेन के लिए सूत्र क्या होगा? बहुत ही आसान क्वेश्चन आ गया है, मीथेन का सूत्र यहां पर दोस्तों पूछा गया है, आसान क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए मीथेन का सूत्र यहां पर पूछ लिया गया है। चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। CH4 इज द राइट आंसर, हम सभी को मालूम है CH4 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ गया है, विच गैस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल फ्रूट राइपनिंग, यानी कृत्रिम प्रक्रिया के लिए किस गैस का उपयोग करते हैं? फलों को पकाने की कृत्रिम प्रक्रिया के लिए किस गैस का दोस्तों यहां पर उपयोग किया जाता है? मीथेन का, ऑक्सीटोसिन का, इथाइलिन का, या फिर इथेन का? बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, सही आंसर यहां पे है, बिल्कुल सही आंसर है इथाइलिन। ठीक है, देखिए अगर किसी को क्लियर नहीं दिख रहा, सतेंद्र यादव जी एक बार इंटरनेट कनेक्शन को देखिए एक बार चेक करके, क्योंकि बाकी सभी को यहां पर सही दिख रहा है ना। चलिए चलिए, बिल्कुल सही, यहां पर सही ऑप्शन आ गया है दोस्तों। अगला देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा इनमें से कौन सा नहीं है? क्या कार्विक्स जो है ये महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, यूट्रस नहीं है, ओविडक्स नहीं है, या फिर दोस्तों स्कॉटम नहीं है? कौन इनमें से महिला प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है ये मुझे बता दीजिए तेजी से आप लोग। चलिए बिल्कुल सही, देखिए जिनको भी क्लियर नहीं दिख रहा है वो एक बार अपने इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लीजिए, एक बार दोबारा वीडियो को ऑन कर लीजिए। ठीक है, चलिए सही आंसर दोस्तों स्कॉटम अंडकोष यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, किसी भी ठोस और तरल को अलग करने के लिए निम्न में से किस विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं दोस्तों? किस विधि का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं सॉलिड और तरल को दोस्तों अलग अलग करने के लिए? बहुत बेहतरीन दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर यहां पे आप सभी का आ गया है, आंशिक आसवन का, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का उपयोग दोस्तों नहीं कर सकते हैं ठोस और तरल को अलग करने के लिए। बढ़ेंगे आगे दोस्तों, गैस यूजुअली फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, कौन सी गैस आमतौर पर बिजली के बल्ब में भरी जाती है? कौन सी इनमें से गैस होती है जो बिजली के बल्ब में दोस्तों भरी जाती है? हाइड्रोजन होती है वो, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर दोस्तों नाइट्रोजन होती है वो? चलिए सुंदर दोस्तों, बहुत सुंदर,
बिल्कुल सही मुन्ना सिंह जी, बिल्कुल सही यहाँ पे आंसर आ गया है। सही आंसर यहाँ पे है दोस्तों नाइट्रोजन, यही दोस्तों बिजली के बल्ब में भरी होती है, सही आंसर है। इसके अलावा दोस्तों ऑर्गन गैस को भी बिजली के बल्ब में दोस्तों भरा जाता है, याद कर लीजिए, ऑर्गन गैस को भी बिजली के बल्ब में दोस्तों यहाँ पर भरा जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़िए दोस्तों, नाइट्रोजन परमाणु में मौजूद न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए। अब नाइट्रोजन के परमाणु में मौजूद न्यूट्रॉनों की संख्या पूछी गई है, न्यूट्रॉन कितने होते हैं नाइट्रोजन में दोस्तों, ये बताना है आपको, बताएं तेजी से बताएं, नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं। चलिए तबरेज आलम जी सही आंसर यहां पे आ गया है, 7 न्यूट्रॉन दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। कौन सा एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, इनमें से कौन सी होगी, डीकंपोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, मेल्टिंग आइस क्यूब, या फिर कन्वर्जन ऑफ द फ्रॉस्ट टू वॉटर पेपर, कौन सी इसमें दोस्तों एक्सोथर्मिक होगी, बताएंगे मुझे तेजी से, जल्दी से बताइए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही, चलिए दोस्तों बिल्कुल सही आंसर आप लोग दे रहे हैं। अगर हम लोग एक्सोथर्मिक की बात करेंगे तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन दोस्तों जो है ये एक्सोथर्मिक है, याद कर लीजिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जिसमें दोस्तों एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, यानी एनर्जी रिलीज होती है दोस्तों, ठीक है ना, ये ध्यान कर लीजिए, जिसमें एनर्जी हीट ये रिलीज होती है वो दोस्तों एक्सोथर्मिक होती है, और एंडोथर्मिक इनकी जस्ट अपोजिट होती है, जिसमें हीट दोस्तों रिलीज नहीं होती है बल्कि हीट यूज होती है, ठीक है। चलिए चलिए बिल्कुल सही, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों। न्यूक्लियॉन की संख्या किस पर निर्भर करती है, क्वेश्चन बताइए, न्यूक्लियॉन की जो संख्या है वो किस पर निर्भर करती है, ये सीधा क्वेश्चन दोस्तों बताइए, न्यूक्लियॉन्स कोरिस्पोंड टू द नंबर ऑफ, न्यूक्लियॉन की संख्या किस पर निर्भर करती है, इलेक्ट्रॉन्स पर, न्यूट्रॉन्स पर, प्रोटॉन्स पर, या फिर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, न्यूक्लियॉन का मतलब होता है नाभिक के अंदर, ये अपना परमाणु है, इसके अंदर दोस्तों नाभिक है, यहां पर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन ही पाए जाते हैं और इन्हीं को दोस्तों हम लोग न्यूक्लियॉन कहते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन दोस्तों हमारे जो होते हैं वो इस पूरे चक्कर में भागते रहते हैं, यहां पे घूमते रहते हैं, और बाकी जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो दोस्तों हमारे नाभिक के अंदर रहते हैं। तो सही आंसर यहां पर हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। चलिए आगे बढ़िए, अमोनियम नाइट्रेट और थर्मल डीकम्पोजिशन प्रोड्यूस, यानी तापीय अपघटन पर अमोनियम नाइट्रेट क्या उत्पादित करता है, तापीय अपघटन होने पर अमोनियम नाइट्रेट दोस्तों किसका उत्पादन करता है, इसका मुझे आंसर दीजिए तेजी से सभी लोग, जल्दी से इसका आंसर देंगे सभी लोग, तापीय अपघटन पर अमोनियम नाइट्रेट किसका उत्पादन दोस्तों करता है। सना परवीन जी, शर्मिष्ठा जी, अरविंद प्रजापति जी, मनोहर कुमार जी, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। गिरीश शर्मा जी NH3NO2 कह रहे हैं। चलिए दीपिका यादव जी, रिया दुबे जी, बहुत बढ़िया, अर्चना कुमारी जी, सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तापीय अपघटन पर दोस्तों अमोनियम नाइट्रेट क्या उत्पादित करता है। चलिए बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ गया है, सही आंसर दोस्तों यहां पे आ गया है N2O और H2O, सही आंसर है N2O और H2O, इसी का दोस्तों निर्माण होता है अमोनियम नाइट्रेट के, किस पर, तापीय अपघटन पर, यानी थर्मल डीकम्पोजिशन पर, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों एक बार फिर से आपको मैं यहां पे बता दूं कि आप सभी लोग दोस्तों इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, इसी टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों आपको मिलेगी आज के लेक्चर की PDF फाइल @shubhamsir_textbook, जी हाँ @shubhamsir_textbook, इसी ग्रुप को दोस्तों आपको ज्वाइन करना है और यहीं पर दोस्तों आपको आज के लेक्चर की PDF फाइल मिल जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों आपके सारे डाउट भी मैं यहीं पर सॉल्व करूंगा और आपको तमाम तरह की दोस्तों और भी जानकारी जो लेटेस्ट एग्जाम से संबंधित है, ठीक है, लेटेस्ट जो एग्जाम होने वाले हैं उन सभी से संबंधित सारी जानकारी भी मैं आपको इस ग्रुप पर अवेलेबल कराता रहूंगा। तो इस ग्रुप को दोस्तों सर्च करिए @shubhamsir_textbook और इसको ज्वाइन कर लीजिए।
साथ ही साथ दोस्तों एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि टेस्ट बुक का पास दोस्तों आपको जरूर यहां पे परचेस कर लेना चाहिए, क्योंकि यहां पर दोस्तों प्रैक्टिस के लिए आपको 31,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, जो दोस्तों 450 से भी ज्यादा एग्जाम में काम में आने वाले हैं। दोस्तों तैयारी आप चाहे कितनी भी अच्छी कर लीजिए, लेकिन अगर दोस्तों आप लोग सही तरीके से उसकी प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों बिल्कुल भी वो तैयारी आपके किसी काम में नहीं आने वाली है। इसीलिए टेस्ट बुक के इस पास को दोस्तों आप लोग जरूर जरूर इस्तेमाल करें, ताकि दोस्तों आप सभी के सारे जो काम है बिल्कुल आसानी से होते जाएं। एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। तो दोस्तों देखिए, यहां आपका ये लेक्चर चल रहा है, इस लेक्चर के नीचे जब आप जाएंगे तो यहां आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों इसका लिंक मिल जाएगा। ये देखिए, ये इसका लिंक यहां पर आपको दिख रहा होगा। इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहां पर दोस्तों एक नई विंडो खुल जाएगी, और इस विंडो पर दोस्तों आप लोग जाकर जो है ये सारी चीजें देख सकते हैं। यहां मंथली टेस्ट बुक का दोस्तों पास दिखाई दे रहा है जो 299 रुपए का है, 14 मंथ का पास दिखाई दे रहा है जो 399 रुपए का है, और लाइफ टाइम पास दिखाई दे रहा है जो 599 रुपए का है। ये ऑलरेडी दोस्तों डिस्काउंटेड रेट है, लेकिन फिर भी आप लोग यहाँ पे एक कूपन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जिससे एडिशनल दोस्तों आपको 15% का डिस्काउंट और मिल जाएगा। कोड यहां मैंने लिख दिया है SUAPASS, यही दोस्तों मेरा कोड है जिसका इस्तेमाल आप लोग करके यहां पर दोस्तों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अप्लाई करूंगा, देखिए यहां पर पूरे रेट जो है वो और कम हो गए, 255, 340 और 510, ये रेट यहां पर कम होकर दोस्तों शो होना शुरू हो गए। तो इस तरीके से आप लोग दोस्तों इस चीज का प्रयोग कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतरीन दोस्तों बना सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी के लिए यहां पर टेस्ट बुक की लाइब्रेरी भी इंट्रोड्यूस हो गई है, इस लाइब्रेरी का भी इस्तेमाल करिए, ये बिल्कुल फ्री है दोस्तों। testbook.com की बस आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही दोस्तों आप लोग इस लाइब्रेरी का पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे। यहीं पर आपको मिलेंगे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस और क्विजेस, यहीं पर आपको दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर मिल जाएंगे, जिनसे आपको दोस्तों एग्जाम का एग्जैक्टली ट्रेंड समझ में आएगा कि किस तरह का ट्रेंड दोस्तों एग्जाम में फॉलो किया जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों बहुत सारे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और बहुत सारे दोस्तों वीडियो लेसन भी आपको यहां पर मिलेंगे, तो इसको भी दोस्तों आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको testbook.com की दोस्तों एप्लीकेशन को यहां पर डाउनलोड करना होगा, जिसके द्वारा दोस्तों आप लोग इसको यहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों एक बात जानकारी मैं और दे दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर एसएससी सीजीएल एग्जाम की, तो आप सभी के लिए दोस्तों यहाँ पर एक बैच भी इंट्रोड्यूस करा दिया गया है, एसएससी सीजीएल 2022 का फाउंडेशन लाइव कोचिंग बैच दोस्तों शुरू हो गया है, जो दोस्तों एक वर्ष की अवधि तक आपके साथ रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये पांचों टीचर्स जो मेरे पीछे छुपे हुए हैं, जिनकी बात मैं भी करूंगा, ये पांचों टीचर्स आपको एक साल तक ट्रेंड करेंगे और एक साल तक दोस्तों लगातार आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आपको एग्जाम में करना है काम। देखिए दोस्तों, बिना गुरु के सफलता मिलना नामुमकिन है, इसीलिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों एसएससी एग्जाम की, तो आपको दोस्तों यहां पर एक बैच को लेना ही चाहिए, एक कोई भी बैच दोस्तों आपके साथ जरूर होना चाहिए, ताकि आपको सही गाइडलाइन मिले और सही दोस्तों तरीका मिले, सही आपको रास्ता मिले। अगर इस खास बैच की बात करें दोस्तों, 400 से भी ज्यादा यहाँ पे लाइव क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, 400 से भी ज्यादा आपको प्रैक्टिस सेट्स मिलने वाले हैं, और 50 से भी ज्यादा आपको यहाँ पर टेस्ट मिलेंगे, जिसके द्वारा दोस्तों आप अपने हुनर को पहचान सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि कितने दोस्तों आपकी तैयारी जबरदस्त है। 150 से भी ज्यादा पीडीएफ दोस्तों आपको मिलेंगे, जो आप फर्दर अपनी स्टडीज में दोस्तों यूज कर सकते हैं और इसका दोस्तों काम यहाँ पर कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों बता दूं आपको कि अगर ये बैच लेंगे तो यहां पर दोस्तों आप लोग मेरे कोड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो कि है SHUBHAMA। इस कोड के इस्तेमाल से भी दोस्तों आपको यहां पर 20% का मैक्सिमम डिस्काउंट दोस्तों यहां पर मिल जाएगा। तो इस बैच का यूज दोस्तों जरूर करिए, ताकि आपका दोस्तों नाम छपे। और दोस्तों इस बैच की खासियत है ये पांचों टीचर्स, जी हाँ, ये पांचों टीचर्स दोस्तों इस बैच की बिल्कुल शान है, क्योंकि ये पांचों टीचर्स दोस्तों अपना अपना लंबा अनुभव रखते हैं। जी हाँ, इन पांचों को लंबा अनुभव है एग्जाम को क्रैक कराने का, एग्जाम को देने का, क्योंकि ये पांचों ही दोस्तों कई एग्जाम्स को क्रैक भी किए हुए हैं, निकाले भी हुए हैं। इसीलिए दोस्तों ये आपको बताएंगे कि कहां से कौन सी चीज पढ़नी है और कहां से कौन सी चीज को नहीं पढ़ना है। सटीक जानकारी और सटीक गाइडेंस दोस्तों लेने के लिए आप सभी लोग इस बैच को जरूर ज्वाइन करें और इस पांचों टीचर्स के दोस्तों सानिध्य में आ जाइए, ताकि आपके दोस्तों कोई भी तैयारी में कोई भी चूक यहां पर दोस्तों ना रहे।
तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप सभी का नाम यहां हमारे बैनर में बहुत ही तेजी से दोस्तों आए। टेस्टबुक का ये बैनर है जिसमें टेस्टबुक के हीरोज का दोस्तों फोटो होता है। मैं चाहता हूं कि आप सभी का फोटोज और आप सभी का नाम दोस्तों टेस्टबुक हीरोज की लिस्ट में बहुत जल्दी आए, और इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग तैयारी करते रहे। 2022 का दोस्तों ये साल है, ये साल दोस्तों आपके टारगेट ईयर का साल है। इस साल बिल्कुल निचोड़ देना है, बिल्कुल तैयारी धमाकेदार करनी है, जिससे दोस्तों हमारा कोई भी आगे का सेशन दोस्तों खराब ना हो और कोई भी दोस्तों जॉब हो हमें इस बार दोस्तों उसको क्लियर करना ही है। चलिए तो इन्हीं बातों के साथ दोस्तों आज के इस विशेष सेशन को यहाँ पे खत्म करूंगा। आप सभी ने अपने आंसर्स दिए, आप सभी ने बहुत ही इंप्रूवली यहाँ पे क्वेश्चन करे, आप सभी को दोस्तों क्वेश्चन मिले होंगे। इस लेसन को आप शेयर कर सकते हैं ताकि सभी तक दोस्तों ये सेशन पहुंच जाए, ताकि सभी तक ये क्वेश्चन पहुंच जाए। दोस्तों आप सभी से विदा लूंगा, आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा दोस्तों ऊर्जाओं से भरे रहिए और आलस से बिल्कुल दूर रहिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों विदा लूंगा आपसे। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।